हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है ऑपरेशन वेलेंटाइन ये एक पेन इंडिया फिल्म है जिसको दो लैंग्वेजेस में रिलीज किया जा रहा है तेलुगु और हिंदी तो इस फिल्म को किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियल आने वाले समय में आप ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हैं उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाला हूँ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलेगी फिल्म का एक डिटेल रिव्यू किया जाएगा जहां पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ इसके अलावा ये फिल्म के जो कहानी है उसके ऊपर हम एक प्रिमाइस के ऊपर प्रोडिक्शन देने वाले कहानी के ऊपर प्रोडिक्शन देंगे और इस फिल्म के ऊपर जो टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स आउट हुए उसके ऊपर एक ब्रेकडाउन वीडियो बनाने वाले है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक सर बने रहिएगा तो आज का हमारे वीडियो स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन वेलेंटाइन जो 2024 की इंडियन हिस्टोरिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है ये एक बाइलिंगल फिल्म है इस फिल्म को दो लैंग्वेजेज में बनाया गया है जहाँ पे एक है तेलुगु दूसरे हिंदी दोनों लैंग्वेजेज में बारी बारी से इस फिल्म को शूट किया हुआ है तो एक तरीके से देखा जाए तो प्योर वे में इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बनाया गया तो एक हिंदी फिल्म कह सकते हैं इसको इसके अलावा इस फिल्म में जो, जो जोनर है एक्शन थ्रिलर उसमें एक और चीज़ ऐड की हुई है ये एक फाइटर फिल्म जो आई हुई थी जिसमें एरियल एक्शन थ्रिलर देखने को मिला था जो इंडिया की पहली एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म थी तो ठीक उसी तरह इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ चीज़ें देखने को मिलती है ये भी एक एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म ही है जहाँ पे यहाँ पे भी आपको पेट्रोटिज़म और वो सभी चीज़ें देखने को मिलेगी तो आप देखते हैं कि वो सभी चीज़ों के साथ फिल्म में क्या सभी क्या चीज़ें हुई है अदरवाइज इस फिल्म में हम दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे शक्ति प्रताप सिंह हड्डा उनका एज ए डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू है जहाँ पे वो काफ़ी बड़ी फिल्म लेके आए हुए एज ए डायरेक्टर के तौर पे फिल्म के डायलॉग्स से वो तेलुगु वर्जन के लिए साय माधव बुर्रा ने लिखे हुए हिंदी वर्जन के लिए वैभव मिजे विशाल ने लिखे हुए स्क्रीन प्ले है वो शक्ति प्रताप सिंह हडा आमिर नाहिद खान और सिद्धार्थ राजकुमार ने लिखा हुआ है और डायरेक्शन शक्ति प्रताप सिंह हडा का ही देखने को मिलेगा इसके अलावा इस फिल्म को सोने पिक्चर्स और संदीप मुड्डा के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है जहाँ पे सोनी सोनी पिक्चर्स और रीनाइजेंस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक डिसेंट अच्छे खासे बजट के साथ बनाया गया है जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में वरुण तेज मानुषी चिल्लर नवदीप मीर जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो हरी के वेदांतम ने की हुई है एडिटिंग है वो नवीन नुल्ली ने की हुई है जिन्होंने इससे पहले जो जर्सी फिल्म आई थी 2019 की जहां पे नानी के साथ उन्होंने वो फिल्म में काम किया हुआ था वहां पे उस फिल्म में उन्होंने एज ए एडिटर के तौर पे नेशनल अवार्ड जीता हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें मिक्की जे मेयर के द्वारा इस फिल्म के काम कंपोज किए गए बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया गया है जहां पे म्यूजिक के राइट्स है वो सारे कमा वालों ने खरीदे हुए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें वरुण तेज लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे रुद्रा का उनका पूरा नाम है अर्जुन रुद्रा देव इसके अलावा इस फिल्म में मानुषी चिल्लर देखने को मिलती है सोनल के रोल में वरुण तेज और मानुषी चिल्लर एक दूसरे के साथ पहली बार काम करते हुए नजर आए जहाँ पे मानुषी चिल्लर जिन्होंने इससे पहले पृथ्वीराज फिल्म में काम किया हुआ था सम्राट पृथ्वीराज फिल्म में तो उस फिल्म के बाद उन्होंने एक और हिंदी फिल्म थी, की थी द ग्रेट इंडियन फैमिली दो हज़ार तेईस में और ये पहली उनकी तेलुगु फिल्म है तेलुगु डेब्यू कहा जाएगा इसके बाद वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ में भी है और तेहरान फिल्म में भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी मानु सी चिल्लर इस फिल्म में सोनल का रोल प्ले करती हुई नज़र आई है जहाँ पे इस फिल्म में नवदीप विंग कमांडर कबीर का रोल प्ले कर रहे हैं रूहानी शर्मा जो तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है एज अ लीड एक्टर के तौर पे उन्होंने काफ़ी सारी तेलुगु फिल्मों में काम किया हुआ है चीला सो फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था हिट द फर्स्ट केस डर्टी हरी नुतकुल्लो जिला दंगाडू और हर चैप्टर वन जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया हुआ है फिलहाल में सेंधव फिल्म में भी वो नज़र आई हुई थी वेंकटेश दगुपती के अपोजिट इसके अलावा इस फिल्म मीर सारवार भी एक इम्पोर्टेंट रोल दे, दे प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे इनके थ्रू फिल्म की कहानी को हमारे साथ दिखाया जाएगा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत दो में ही करवा दी गई थी स्टार्टिंग में जहाँ पे इस फिल्म का जो शूटिंग था वो दो लैंग्वेज में था तेलुगु और हिंदी जब इस फिल्म का तीसरा शेड्यूल चल रहा था तब क्रिएटर के द्वारा ऑफिशियल इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था थर्ड शेड्यूल था वो चौदह अगस्त दो हज़ार तेईस को थर्ड शेड्यूल के दौरान ऑपरेशन वेलेंटाइन नाम के साथ इस फिल्म को अनाउंस किया गया था उन्नीस अक्टूबर दो हज़ार तेईस को बताया गया था कि इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी ब्रेपअप हो चुकी है इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी पहले ही स्टार्ट करवा दी गई थी जहाँ पे इस फिल्म की जो एक शूटिंग की हुई थी उसका एक वीडियो बताया गया था शेयर किया गया था किस तरह से इस फिल्म को कैप्चर किया हुआ है पोस्टर और काफी स्टैंड आउट मोमेंट भी शेयर किए हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में 18 दिसंबर 2023 को सोनी पिक्चर प्रोडक्शन के द्वारा टीजर अनवील किया गया था ऑपरेशन वेलेंटाइन फर्स्ट स्ट्राइक के तौर पर उसके बाद में फरवरी दो को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया अब ये फिल्म आने वाले समय में रिलीज होने के लिए तैयार है जहाँ पे टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उससे पता चल रहा है कि फिल्म एक अच्छी खासी बनी होगी जो एक पेट्रोटिज्म वाले फीलिंग चाहिए इसके अलावा एक्शन रिवेंज ड्रामा और जो एरियल एक्शन अभी फ़िलहाल में नया निकला हुआ है इंडियन इंडस्ट्री में तो फाइटर फिल्म के बाद एक बार फिर से इस फिल्म में वो सब वही सिमिलर थीम के साथ चीज़ें देखने को मिलेगी इस फिल्म में जो गाने जहाँ पे एक गाना है वो जो वंदे मातरम वाला वो वाघा बॉर्डर के ऊपर रिलीज़ किया गया था पहला सॉन्ग वहाँ पे अनविल किया गया था साउंड ट्रैक बैकग्राउंड उसको जैसे मैंने कहा कि मिकी जे मेयर ने कंपोज किया हुआ है सारे गा के द्वारा ऑडियो के राइट्स एक्वायर किए गए थे जहाँ पे एक गाना है गगन नाला जिसके ऊपर बातचीत करें तो उस गाने को सारे गमा वालों ने रिलीज करवाया हुआ था 6 फरवरी 2024 को तो वो गाना था उसको गाया हुआ है अरमान मलिक ने राम जोगे शास्त्री ने लिखा हुआ है और मिकी जेयर के मेयर के द्वारा म्यूज़िक दिया गया है इसके अलावा एक गाना आपको और सुनने को मिला होगा अभी फिलहाल में जिसका नाम है वंदे मातरम जो पहला सिंगल था फिल्म का तो उसको वाह बॉर्डर के ऊपर जो रिलीज़ किया गया तो उस गाने के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ तो उस गाने को करीबन करीबन 17 जनवरी दो हजार चौबीस को रिलीज किया गया था ऑफिशियली फर्स्ट सिंगल के तौर पे जहाँ पे इस गाने को गाया हुआ है कुणाल कुंदू ने कोरस था वो रमिया बेहरा जिमिकी जे मेयर और कृष्णा तेजस्वी ने दिए हुए लिरिक्स थे वो सारस्वती पुत्र और रामजोग्य शास्त्री ने लिखे हुए कीबोर्ड का काम वी कीजिए मेयर ने संभाला हुआ था बास गिटार था स्टीफन ने दिया हुआ था प्रशिक्षण और रिदम का काम है वंकटेश पतवारी ने दिया हुआ था स्ट्रिंग सेक्शन में सारा स्प्रिंगल ने काम किया हुआ था सॉन्ग की मिक्सिंग कीजिए मेयर ने की, की हुई थी जो गाना था वो सुबह के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में सोंग के मास्टरिंग वो कायल हॉलैंड के द्वारा यूएसए में करवाई गई थी तो ये कुछ दो गाने फिलहाल में रिलीज किए हुए हो सकते हैं आने वाले समय में कुछ और गाने वो डेफिनेटली रिलीज करवाए जाएंगे तो ये सभी गाने फिलहाल में आपको सारे गामा म्यूजिक और सारे गामा तेलुगु के ऊपर तेलुगू और हिंदी दोनों वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे वो भी बिल्कुल फ्री में अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत कर लेते हैं थोड़ी बहुत तो फिल्म की ओरिजिनल जो शेड्यूल रिलीज डेट थी थिएट्रिकली वो थी 8 दिसंबर 2023 को बाद में फिल्म को रीड शेड्यूल किया गया था 16 फरवरी 2024 के ऊपर लेकिन फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो डिले हो रहा था क्योंकि एक ए रियल एक्शन थी जिसके लिए वे फिक्स का काम काफ़ी ज़्यादा चल रहा था उसके लिए फिल्म काफ़ी डिले हुई थी उसके चलते पोस्ट प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से इस फिल्म को बाद में कुछ ऐसे सरकमटेंसीज क्रिएट हुए जिसके चलते एक मार्च 2024 को रिलीज़ करने के लिए फिक्स किया गया अभी फिलहाल में इस फिल्म का टीज़र दो गाने रिलीज़ हो चुके हैं ट्रेलर रिलीज हो चुका है सभी चीज़ें कंटेंट वाइज देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही है और ये जो फिल्म है एक मार्च दो को थिएट्रिकली रिलीज़ होती हुई नजर आएगी तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में अब देखते हैं कि ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या कै, इनिशियली डेज के ऊपर रिस्पॉस हासिल करते तेलुगु वर्जन डेफिनेटली वरुण तेज की जो फैन फॉलोइंग है उस हिसाब से डिसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ कलेक्शन करेगा हिंदी वर्जन प्योर डिपेंड करेगा फिल्म के वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर अगर वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव निकल के आता है तो तेलुगु में तीन दिनों के बाद विगडेज में भी अच्छा कलेक्शन रहेगा और एक लंबा रन ले सकती है फिल्म और बढ़िया कलेक्शन कर सकती है हिंदी मार्केट में भी ये फिल्म अगर अच्छी रिस्पॉन्स हासिल की तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन कर सकती है अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ किस तरह से कैसे क्या रिस्पॉन्स रहता है अगर ये फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो डेफिनेटली तेलुगु हिंदी दोनों वर्जन में एक बढ़िया कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल का टेगमाक हासिल कर सकती है इस फिल्म के जो ओ टी टी है तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन के लिए वो खरीदे हुए अमेजोन प्राइम वीडियो ने वहीं पर इस फिल्म के हिंदी सेटेलाइट राइट्स से है वो सोनी मैक्स के पास है सोनी एंटरटेनमेंट के पास है इसका मतलब थिएट्रिकली रिलीज़ के कुछ दिनों के बाद पचास साठ दिनों के बाद ये फिल्म Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ऑपरेशन वैलेंटाइन नाम के साथ देखने को मिल जाएगी वहीं पे उसके कुछ दिनों के बाद कुछ महीनों के बाद इस फिल्म को हिंदी वर्जन में ऑपरेशन वेलेंटाइन नाम के साथ सोनीमैक्स और Sony सोनी एच HD चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ऑपरेशन वेलेंटाइन फिल्म फ़िलहाल में थिएट्रिकली एक मार्च दो को रिलीज़ होने के लिए तैयार है इसके अलावा ये फिल्म आने वाले कुछ समय के बाद अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको ओ वर्जन के कुछ समय के बाद सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से ऑपरेशन वेलेंटाइन फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे ऑपरेशन वेलेंटाइन जो 2024 की इंडियन हिस्टोरिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है ये एक बाइलिंगल फिल्म है इस फिल्म को दो लैंग्वेज में बनाया गया है जहाँ पे एक है तेलुगु दूसरे हिंदी दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से इस फिल्म को शूट किया हुआ है तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रो प्योर वे में इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बनाया गया था एक हिंदी फिल्म कह सकते हैं इसको इसके अलावा इस फिल्म में जो, जो जोनर है एक्शन थ्रिलर उसमें एक और चीज़ ऐड की हुई है ये एक फाइटर फिल्म जो आई हुई थी जिसमें एरियल एक्शन थ्रिलर देखने को मिला था जो इंडिया की पहली एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म थी तो ठीक उसी तरह इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ चीज़ें देखने को मिलती है ये भी एक एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म ही है जहाँ पे यहाँ पे भी आपको पेट्रोटिज़म और वो सभी चीज़ें देखने को मिलेगी तो आप देखते हैं कि वो सभी चीज़ों के साथ फिल्म में क्या सभी क्या चीज़ें हुई है अदरवाइज इस फिल्म में हम दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे शक्ति प्रताप सिंह हड्डा उनका एज ए डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू है जहाँ पे वो काफ़ी बड़ी फिल्म लेके आए हुए एज ए डायरेक्टर के तौर पे फिल्म के डायलॉग से वो तेलुगु वर्जन के लिए साय माधव बुर्रा ने लिखे हुए हिंदी वर्जन के लिए वैभव मिज़े विशाल ने लिखे हुए स्क्रीन प्ले है वो शक्ति प्रताप सिंह हडा आमिर नाहिद खान और सिद्धार्थ राजकुमार ने लिखा हुआ है और डायरेक्शन शक्ति प्रताप सिंह हडा का ही देखने को मिलेगा इसके अलावा इस फिल्म को सोने पिक्चर्स और संदीप मुड्डा के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है जहां पे सोन सोनी पिक्चर्स और रीनाइजेंस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक डिसेंट अच्छे खासे बजट के साथ बनाया गया है जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में वरुण तेज मानुषी चिल्लर नवदीप मीर सार जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो हरी के वेदांतम ने की हुई है एडिटिंग है वो नवीन नुल्ली ने की हुई है जिन्होंने इससे पहले जो जर्सी फिल्म आई थी 2019 की जहाँ पे नानी के साथ उन्होंने वो फिल्म में काम किया हुआ था वहाँ पे उस फिल्म में उन्होंने एज ए एडिटर के तौर पे नेशनल अवार्ड जीता हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें मिक्की जे मेयर के द्वारा इस फिल्म के गाने कंपोज किए गए बैकग्राउंड स्कोर कम्पोज किया गया है पे म्यूजिक के राइट्स है वो सारे कमा वालों ने खरीदे हुए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें वरुण तेज लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे रुद्रा का उनका पूरा नाम है अर्जुन रुद्रा देव इसके अलावा इस फिल्म में मानुषी चिल्लर देखने को मिलती है सोनल के रोल में वरुण तेज और मानुषी चिल्लर एक दूसरे के साथ पहली बार काम करते हुए नज़र आए जहाँ पे मानुषी चिल्लर जिन्होंने इससे पहले पृथ्वीराज फिल्म में काम किया हुआ था सम्राट पृथ्वीराज फिल्म में तो उस फिल्म के बाद उन्होंने एक और हिंदी फिल्म की थी द ग्रेट इंडियन फैमिली 2023 में और ये पहली उनकी तेलुगु फिल्म है तेलुगु डेब्यू कहा जाएगा इसके बाद वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ में भी है और तेहरान फिल्म में भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी मानुषी चिल्लर इस फिल्म में सोनल का रोल प्ले करती हुई नज़र आई है जहाँ पे इस फिल्म में नवदीप विंग कमांडर कबीर का रोल प्ले करे रूहानी शर्मा जो तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है एज अ लीड एक्टर के तौर पर उन्होंने काफ़ी सारी तेलुगु फिल्मों में काम किया हुआ है चीला सो फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था हिट द फर्स्ट केस डर्टी हरी नुतकुल्लो जिला दंगाडू और हर चैप्टर वन जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया हुआ फिलहाल में सेंधव फिल्म में भी वो नज़र आई हुई थी वेंकटेश दगुपती के अपोजिट इसके अलावा इस फिल्म में मीर सारववार भी एक इम्पोर्टेंट रोल दे, दे प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे इनके थ्रू फिल्म की कहानी को हमारे साथ दिखाया जाएगा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत दो में ही करवा दी गई थी स्टार्टिंग में जहाँ पे इस फिल्म का जो शूटिंग था वो दो लैंग्वेज में था तेलुगु और हिंदी जब इस फिल्म का तीसरा शेड्यूल चल रहा था तब क्रिएटर के द्वारा ऑफिशियल इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था थर्ड शेड्यूल था वो चौदह अगस्त दो हजार तेईस को थर्ड शेड्यूल के दौरान ऑपरेशन वेलेंटाइन नाम के साथ इस फिल्म को अनाउंस किया गया था 19 अक्टूबर 2023 को बताया गया था कि इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी ब्रेपअप हो फो चुकी है इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी पहले ही स्टार्ट करवा दी गई थी जहाँ पे इस फिल्म की जो एक शूटिंग की हुई थी उसका एक वीडियो बताया गया था शेयर किया गया था किस तरह से इस फिल्म को कैप्चर किया हुआ है पोस्टर और काफ़ी स्टैंड आउट मोमेंट भी शेयर किए हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में अट्ठारह दिसंबर दो को सोनी पिक्चर प्रोडक्शन के द्वारा टीजर अनवील किया गया था ऑपरेशन वेलेंटाइन फर्स्ट स्ट्राइक के तौर और उसके बाद में फरवरी 2024 को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया अब ये फिल्म आने वाले समय में रिलीज होने के लिए तैयार है जहाँ पे टीज़र ट्रेलर जो आउट हुआ है उससे पता चल रहा है कि फिल्म एक अच्छी खासी बनी होगी जो एक पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग चाहिए इसके अलावा एक्शन रिवेंज ड्रामा और जो एरियल एक्शन अभी फिलहाल में नया निकला हुआ इंडियन इंडस्ट्री में तो फाइटर फिल्म के बाद एक बार फिर से इस फिल्म में वह वही फिर सिमिलर थीम के साथ चीज़ें देखने को मिलेगी इस फिल्म में जो गाने हैं जहाँ पे एक गाना है वो जो वंदे मातरम वाला वो वाघा बॉर्डर के ऊपर रिलीज किया गया था पहला सॉन्ग वहाँ पे अनविल किया गया था साउंड ट्रैक बैकग्राउंड उसको जैसे मैंने कहा कि मिकी जे मेयर ने कंपोज़ किया हुआ है सारे गाँ के द्वारा ऑडियो के राइट्स रिक्वायर एक्वायर किए गए थे जहाँ पे एक गाना है गगन नाला जिसके ऊपर बातचीत करें तो उस गाने को सारे गाँ वालों ने रिलीज करवाया हुआ था 6 फरवरी 2024 को तो वो गाना था उसको गाया हुआ है अरमान मलिक ने राम जोगिया शास्त्री ने लिखा हुआ है और मिकी जयर के मेयर के द्वारा म्यूजिक दिया गया है इसके अलावा एक गाना आपको और सुनने को मिला होगा अभी फिलहाल में जिसका नाम है वंदे मातरम जो पहला सिंगल था फिल्म का तो उसको वाहका बॉर्डर के ऊपर जो रिलीज किया गया था उस गाने के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ तो उस गाने को करीबन करीबन सत्रह जनवरी 2024 हजार चौबीस को रिलीज किया गया था ऑफिशियली फर्स्ट सिंगल के तौर पे जहाँ पे इस गाने को गाया हुआ है कुणाल कुंदू ने कोरस था और रमिया बेहरा जी मिकी जे, मेयर और कृष्णा तेजस्वी ने दिए हुए लिरिक्स थे वो सारस्वती पुत्र और रामजोग्य शास्त्री ने लिखे हुए कीबोर्ड का काम मेयर ने संभाला हुआ था बास गिटार था स्टीफन ने दिया हुआ था प्री और रिदम का काम है वंकटेश पतवारी ने दिया हुआ था स्ट्रिंग सेक्शन में सारा स्प्रिंगल ने काम किया हुआ था सॉन्ग की मिक्सिंग मिखी मेयर ने की, की हुई थी जो गाना था वो सुबह के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में सोंग के मास्टरिंग वो कायल हॉलैंड के द्वारा यूएसए में करवाई गई थी तो ये कुछ दो गाने फिलहाल में रिलीज़ किए हुए हो सकते हैं आने वाले समय में कुछ और गाने वो डेफ़िनेटली रिलीज करवाए जाएंगे तो ये सभी गाने फिलहाल में आपको सारे गामा म्यूजिक और सारे गामा के ऊपर तेलुगु और हिंदी दोनों तो वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे वो भी बिल्कुल फ्री में अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत कर लेते थे थोड़ी बहुत तो फिल्म की ओरिजिनल जो शेड्यूल रिलीज डेट थी थिएट्रिकली वो थी आठ दिसंबर 2023 को बाद में फिल्म को रीड शेड्यूल किया गया था सोलह फरवरी दो के ऊपर लेकिन फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो डिले हो रहा था क्योंकि एक एरियल एक्शन थी जिसके लिए वे फिक्स का काम काफ़ी ज़्यादा चल रहा था उसके लिए फिल्म काफ़ी डिले हुई थी उसके चलते पोस्ट प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से इस फिल्म को बाद में जहा कुछ ऐसे सरकमटेंसीज क्रिएट हुए जिसके चलते एक मार्च दो को रिलीज करने के लिए फिक्स किया गया अभी फिलहाल में इस फिल्म का टीजर दो गाने रिलीज़ हो चुके हैं ट्रेलर रिलीज हो चुका है सभी चीज़ें कंटेंट वाइज देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही है और ये जो फिल्म है एक मार्च दो हजार चौबीस को थिएट्रिकली रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में अब देखते हैं कि ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या इनिशियली डेज के ऊपर रिस्पॉन्स हासिल करती है तेलुगु वर्जन डेफिनेटली वरुण तेज की जो फैन फॉलोइंग है उस हिसाब से डिसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ कलेक्शन करेगा हिंदी वर्जन प्योर डिपेंड करेगा फिल्म के वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर अगर वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव निकल के आता है तो तेलुगु में तीन दिनों के बाद में भी अच्छा कलेक्शन रहेगा अच्छी हासिल की तो एक साथ किस तरह से कैसे क्या रिस्पॉन्स रहता है अगर ये फिल्म का ऑफ माउथ अच्छा रहा तो डेफिनेटली तेलुगु हिंदी दोनों वर्जन में एक बढ़िया कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल का टेग मार्क हासिल कर सकती है इस फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन के

बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ऑपरेशन वेलेंटाइन फिल्म फिलहाल में थिएट्रिकली एक मार्च दो को रिलीज़ होने के लिए तैयार है इसके अलावा ये फिल्म आने वाले कुछ समय के बाद अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु और हिंदी दोनों वर्ज़न में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको ओ वर्जन के कुछ समय के बाद सोनीमैक्स uh, और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से ऑपरेशन वेलेंटाइन फिल्म आप ऑफिशियली ओटी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर पाओगे ऑपरेशन वेलेंटाइन जो 2024 की इंडियन हिस्टोरिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है ये एक बाइलिंगल फिल्म है इस फिल्म को दो लैंग्वेजेस में बनाया गया है जहाँ पे एक है तेलुगु दूसरे हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में बारी बारी से इस फिल्म को शूट किया हुआ है तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रोप्योर वे में इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बनाया गया था एक हिंदी फिल्म कह सकते हैं इसको इसके अलावा इस फिल्म में जो जोनर जो है एक्शन थ्रिलर उसमें एक और चीज़ ऐड की हुई है ये एक फाइटर फिल्म जो आई हुई थी जिसमें एरियल एक्शन थ्रिलर देखने को मिला था जो इंडिया की पहली एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म थी तो ठीक उसी तरह इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ चीज़ें देखने को मिलती है ये भी एक एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म ही है जहाँ पे यहाँ पे भी आपको पेट्रोटिज़म और वो सभी चीज़ें देखने को मिलेगी तो आप देखते हैं कि वो सभी चीज़ों के साथ फिल्म में क्या सभी क्या चीज़ें हुई है अदरवाइज इस फिल्म में हम दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे शक्ति प्रताप सिंह हड्डा उनका एज ए डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू है जहाँ पे वो काफ़ी बड़ी फिल्म लेके आए हुए एज ए डायरेक्टर के तौर पे फिल्म के डायलॉग से वो तेलुगु वर्जन के लिए साए माधव बुर्रा ने लिखे हुए हिंदी वर्जन के लिए वैभव मीजे विशाल ने लिखे हुए स्क्रीन प्ले है वो शक्ति प्रताप सिंह हडा आमिर नाहिद खान और सिद्धार्थ राजकुमार ने लिखा हुआ है और डायरेक्शन शक्ति प्रताप सिंह हडा का ही देखने को मिलेगा इसके अलावा इस फिल्म को सोने पिक्चर्स और संदीप मुड्डा के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है जहां पे सोन सोनी पिक्चर्स और रीनाइजेंस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक डिसेंट अच्छे खासे बजट के साथ बनाया गया है जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में वरुण तेज मानुषी चिल्लर नवदीप मीर सारववार जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो हरी के वेदांतम ने की हुई है एडिटिंग है वो नवीन नुल्ली ने की हुई है जिन्होंने इससे पहले जो जर्सी फिल्म आई थी 2019 की जहाँ पे नानी के साथ उन्होंने वो फिल्म में काम किया हुआ था वहाँ पे उस फिल्म में उन्होंने एज ए एडिटर के तौर पे नेशनल अवार्ड जीता हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें मिक्की जे मेयर के द्वारा इस फिल्म के गाने कम्पोज किए गए बैकग्राउंड स्कोर कम्पोज किया गया है जहाँ पे म्यूजिक के राइट्स है वो सारे कमा वालों ने खरीदे हुए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें वरुण तेज लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे रुद्रा का उनका पूरा नाम है अर्जुन रुद्रा देव इसके अलावा इस फिल्म में मानुषी चिल्लर देखने को मिलती है सोनल के रोल में वरुण तेज और मानुषी चिल्लर एक दूसरे के साथ पहली बार काम करते हुए नज़र आए जहाँ पे मानुषी चिल्लर जिन्होंने इससे पहले पृथ्वीराज फिल्म में काम किया हुआ था सम्राट पृथ्वीराज फिल्म में तो उस फिल्म के बाद उन्होंने एक और हिंदी फिल्म थी, की थी द ग्रेट इंडियन फैमिली दो हजार तेईस में और ये पहली उनकी तेलुगु फिल्म है तेलुगु डेब्यू कहा जाएगा इसके बाद वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ में भी है और तेहरान फिल्म में भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी मानुसी चिल्लर इस फिल्म में सोनल का रोल प्ले करती हुई नजर आई है जहाँ पे इस फिल्म में नवदीप विंग कमांडर कबीर का रोल प्ले कर रहे रूहानी शर्मा जो तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है एज अ लीड एक्टर के तौर पर उन्होंने काफी सारी तेलुगु फिल्मों में काम किया हुआ है चीला सो फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था हिट द फर्स्ट केस डर्टी हरी नुतकुल्लो जिला दंगाडू और हर चैप्टर वन जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया हुआ फिलहाल में सेंधव फिल्म में भी वो नजर आई हुई थी वेंकटेश दगुपति के अपोजिट इसके अलावा इस फिल्म में मीर भी एक इम्पोर्टेंट रोल दे, दे प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे इनके थ्रू फिल्म की कहानी को हमारे साथ दिखाया जाएगा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत दो में ही करवा दी गई थी स्टार्टिंग में जहाँ पे इस फिल्म का जो शूटिंग था वो दो लैंग्वेज में था तेलुगु और हिंदी जब इस फिल्म का तीसरा शेड्यूल चल रहा था तब क्रिएटर के द्वारा ऑफिशियल इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था थर्ड शेड्यूल था वो चौदह अगस्त दो हज़ार तेईस को थर्ड शेड्यूल के दौरान ऑपरेशन वैलेंटाइन नाम के साथ इस फिल्म को अनाउंस किया गया था उन्नीस अक्टूबर 2023 को बताया गया था कि इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी ब्रेपअप हो चुकी है इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी पहले ही स्टार्ट करवा दी गई थी जहाँ पे इस फिल्म की जो एक शूटिंग की हुई थी उसका एक वीडियो बताया गया था शेयर किया गया था किस तरह से इस फिल्म को कैप्चर किया हुआ है पोस्टर और काफ़ी स्टैंड आउट मोमेंट भी शेयर किए हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में अट्ठारह दिसंबर दो को सोनी पिक्चर प्रोडक्शन के द्वारा टीजर अनवील किया गया था ऑपरेशन वेलेंटाइन फर्स्ट ट्राइक के तौर पे उसके बाद में फरवरी 2024 को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया अब ये फिल्म आने वाले समय में रिलीज़ होने के लिए तैयार है जहाँ पे टीज़र ट्रेलर जो आउट हुआ है उससे पता चल रहा है कि फिल्म एक अच्छी खासी बनी होगी जो एक पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग चाहिए इसके अलावा एक्शन रिवेंज ड्रामा और जो एरियल एक्शन अभी फिलहाल में नया निकला हुआ इंडियन इंडस्ट्री में तो फाइटर फिल्म के बाद एक बार फिर से इस फिल्म में वह वही सिमिलर थीम के साथ चीजें देखने को मिलेगी इस फिल्म में जो गाने जहाँ पे एक गाना है वो जो वंदे मातरम वाला वो वाघा बॉर्डर के ऊपर रिलीज किया गया था पहला सॉन्ग वहाँ पे अनवील किया गया था साउंड ट्रैक बैकग्राउंड उसको जैसे मैंने कहा कि मिकी जे मेयर ने कंपोज किया हुआ है सारे गा के द्वारा ऑडियो के राइट्स रिक्वायर एक्वायर किए गए थे जहाँ पे एक गाना है गगन नाला जिसके ऊपर बातचीत करें तो उस गाने को सारे गमा वालों ने रिलीज करवाया हुआ था छः फरवरी दो को तो वो गाना था उसको गाया हुआ है अरमान मलिक ने राम शास्त्री ने लिखा हुआ है और मिकी जेयर के मेयर के द्वारा म्यूजिक दिया गया है इसके अलावा एक गाना आपको और सुनने को मिला होगा अभी फिलहाल में जिसका नाम है वंदे मातरम जो पहला सिंगल था फिल्म का तो उसको वाह बॉर्डर के ऊपर जो रिलीज किया गया था उस गाने के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ तो उस गाने को करीबन करीबन सत्रह जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था ऑफिशियली फर्स्ट सिंगल के तौर पे जहाँ पे इस गाने को गाया हुआ है कुणाल कुंदू ने कोरस था वो रमिया बेहरा जी मिकी जे मेयर और कृष्णा तेजस्वी ने दिए हुए लिरिक्स थे वो सारस्वती पुत्र और रामजोग्य शास्त्री ने लिखे हुए कीबोर्ड का काम विखी जय मेयर ने संभाला हुआ था बास गिटार था स्टीफन ने दिया हुआ था प्रशिक्षण और रिदम का काम है वंकटेश पतवारी ने दिया हुआ था स्ट्रिंग सेक्शन में सारा स्प्रिंगल ने काम किया हुआ था सॉन्ग की मिक्सिंग मिखी जय मेयर ने की, की हुई थी जो गाना था वो सुबह के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में सॉन्ग के मास्टरिंग वो कायल हॉलैंड के द्वारा यूएसए में करवाई गई थी तो ये कुछ दो गाने फिलहाल में रिलीज़ किए हुए हो सकते हैं आने वाले समय में कुछ और गाने वो डेफ़िनेटली रिलीज़ करवाए जाएंगे तो ये सभी गाने फिलहाल में आपको सारे गामा म्यूजिक और सारे गामा के ऊपर तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे वो भी बिल्कुल फ्री में अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत कर लेते हैं थोड़ी बहुत तो फिल्म की ओरिजिनल जो शेड्यूल रिलीज डेट थी थिएट्रिकली वो थी आठ दिसंबर 2023 को बाद में फिल्म को रीड शेड्यूल किया गया था 16 फरवरी 2024 के ऊपर लेकिन फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो डिले हो रहा था क्योंकि एक एरियल एक्शन थी जिसके लिए वे फिक्स का का काम काफ़ी ज़्यादा चल रहा था उसके लिए फिल्म काफ़ी डिले हुई थी उसके चलते पोस्ट प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से इस फिल्म को बाद में जहाँ कुछ ऐसे सरकमटेंसीज क्रिएट हुए जिसके चलते एक मार्च 2024 को रिलीज करने के लिए फिक्स किया गया अभी फिलहाल में इस फिल्म का टीजर दो गाने रिलीज हो चुके हैं ट्रेलर रिलीज हो चुका है सभी चीज़ें कंटेंट वाइज देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही है और ये जो फिल्म है एक मार्च दो को थिएट्रिकली रिलीज़ होती हुई नजर आएगी तेलुगू और हिंदी दोनों वर्जन में अब देखते हैं कि यह फिल्म किस तरह से कैसे क्या कै? इनिशियली डेज के ऊपर रिस्पॉन्स हासिल करते तेलुगु वर्जन डेफिनेटली वरुण तेज की जो फैन फॉलोइंग है उस हिसाब से डिसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ कलेक्शन करेगा हिंदी वर्जन प्योर डिपेंड करेगा फिल्म के वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर अगर वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव निकल के आता है तो तेलुगु में तीन दिनों के बाद वीक डेज में भी अच्छा कलेक्शन रहेगा और एक लंबा रन ले सकती है फिल्म और बढ़िया कलेक्शन कर सकती है हिंदी मार्केट में भी ये फिल्म अगर अच्छी रिस्पॉन्स हासिल की तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन कर सकती है अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ किस तरह से कैसे क्या रिस्पॉन्स रहता है अगर ये फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो डेफिनेटली तेलुगु हिंदी दोनों वर्जन में एक बढ़िया कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल का टेक हासिल कर सकती है इस फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स है तेलुगू हिंदी दोनों वर्जन के लिए वो खरीदे अमेजन प्राइम वीडियो ने वहीं पे इस फिल्म के हिंदी सैटेलाइट राइट्स है वो सोनी मैक्स के पास है सोनी एंटरटेनमेंट के पास है इसका मतलब थिएट्रिकली रिलीज के कुछ दिनों के बाद पचास साठ दिनों के बाद ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन ऑपरेशन वैलेंटाइन नाम के साथ देखने को मिल जाएगी वहीं पे उसके कुछ दिनों के बाद कुछ महीनों के बाद इस फिल्म को हिंदी वर्जन में ऑपरेशन वेलेंटाइन नाम के साथ सोनीमैक्स और सोनीमैक्स एच डी चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि ऑपरेशन वेलेंटाइन फिल्म फिलहाल में थिएट्रिकली एक मार्च दो को रिलीज़ होने के लिए तैयार है इसके अलावा ये फिल्म आने वाले कुछ समय के बाद अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु और हिंदी दोनों वर्ज़न में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको ओ वर्जन के कुछ समय के बाद सोनी मैक्स और सोनीमैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से ऑपरेशन वेलेंटाइन फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे ऑपरेशन वेलेंटाइन जो दो हज़ार चौबीस की इंडियन हिस्टोरिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है ये एक बाइलिंगल फिल्म है इस फिल्म को दो लैंग्वेज में बनाया गया है जहाँ पे एक है तेलुगु दूसरे हिंदी दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से इस फिल्म को शूट किया हुआ है तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रो प्योर वे में इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बनाया गया एक हिंदी फिल्म कह सकते हैं इसको इसके अलावा इस फिल्म में जो जोनर है एक्शन थ्रिलर उसमें एक और चीज़ ऐड की हुई है ये एक फाइटर फिल्म जो आई हुई थी जिसमें एरियल एक्शन थ्रिलर देखने को मिला था जो इंडिया की पहली एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म थी तो ठीक उसी तरह इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ चीज़ें देखने को मिलती है ये भी एक एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म ही है जहाँ पे यहाँ पे भी आपको पेट्रोटिज़म और वो सभी चीज़ें देखने को मिलेगी अब तो देखते हैं कि वो सभी चीज़ों के साथ फिल्म में क्या सभी क्या चीज़ें हुई है अदरवाइज इस फिल्म में हम दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे शक्ति प्रताप सिंह हड्डा उनका एज ए डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू है जहाँ पे वो काफ़ी बड़ी फिल्म लेके आए हुए एज ए डायरेक्टर के तौर पे फिल्म के डायलॉग से वो तेलुगु वर्जन के लिए साए माधव बुर्रा ने लिखे हुए हिंदी वर्जन के लिए वैभव मिज विशाल ने लिखे हुए स्क्रीन प्ले है वो शक्ति प्रताप सिंह हडा आमिर नाहिद खान और सिद्धार्थ राजकुमार ने लिखा हुआ है और डायरेक्शन शक्ति प्रताप सिंह हडा का ही देखने को मिलेगा इसके अलावा इस फिल्म को सोने पिक्चर्स और संदीप मुड्डा के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है जहाँ पे सोन सोनी पिक्चर्स और रीना इजेंस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक डिसेंट अच्छे खासे बजट के साथ बनाया गया है जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में वरुण तेज मानुषी चिल्लर नवदीप मीर सारववार जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो हरी के वेदांतम ने की हुई है एडिटिंग है वो नवीन नुल्ली ने की हुई है जिन्होंने इससे पहले जो जर्सी फिल्म आई थी 2019 की जहाँ पे नानी के साथ उन्होंने वो फिल्म में काम किया हुआ था वहाँ पर उस फिल्म में उन्होंने एज ए एडिटर के तौर पर नेशनल अवार्ड जीता हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें मिक्की जे मेयर के द्वारा इस फिल्म के गाने कंपोज किए गए बैकग्राउंड स्कोर कम्पोज किया गया है जहाँ पे म्यूज़िक के राइट्स है वो सारे कमा वालों ने ख़रीदे हुए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें वरुण तेज लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे रुद्रा का उनका पूरा नाम है अर्जुन रुद्रा देव इसके अलावा इस फिल्म में मानुषी चिल्लर देखने को मिलती है सोनल के रोल में वरुण तेज और मानुषी चिल्लर एक दूसरे के साथ पहली बार काम करते हुए नज़र आए जहाँ पे मानुषी चिल्लर जिन्होंने इससे पहले पृथ्वीराज फिल्म में काम किया हुआ था सम्राट पृथ्वीराज फिल्म में तो उस फिल्म के बाद उन्होंने एक और हिंदी फिल्म थी, की थी द ग्रेट इंडियन फैमिली 2023 में और ये पहली उनकी तेलुगु फिल्म तेलुगु डेब्यू कहा जाएगा इसके बाद वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ में भी है और तेहरान फिल्म में भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी मानु चिल्लर इस फिल्म में सोनल का रोल प्ले करती हुई नज़र आई है जहाँ पे इस फिल्म में नवदीप विंग कमांडर कबीर का रोल प्ले कर रहे हैं रूहानी शर्मा जो तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है एज अ लीड एक्टर के तौर पे उन्होंने काफ़ी सारी तेलुगु फिल्मों में काम किया हुआ है चीला सो फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था हिट द फर्स्ट केस डर्टी हरी नुतकुल्लो जिला दंगाडू और हर चैप्टर वन जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया हुआ है फिलहाल में सेंधव फिल्म में भी वो नज़र आई हुई थी वेंकटेश दगुपती के अपोजिट इसके अलावा इस फिल्म में सारववार भी एक इम्पोर्टेंट रोल दे, दे प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे इनके थ्रू फिल्म की कहानी को हमारे साथ दिखाया जाएगा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत दो में ही करवा दी गई थी स्टार्टिंग में जहाँ पे इस फिल्म का जो शूटिंग था वो दो लैंग्वेज में था तेलुगु और हिंदी जब इस फिल्म का तीसरा शेड्यूल चल रहा था तब क्रिएटर के द्वारा ऑफिशियल इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था थर्ड शेड्यूल था वो चौदह अगस्त दो हजार तेईस को थर्ड शेड्यूल के दौरान ऑपरेशन वेलेंटाइन नाम के साथ इस फिल्म को अनाउंस किया गया था 19 अक्टूबर 2023 को बताया गया था कि इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी ब्रेपअप हो चुकी है इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी पहले ही स्टार्ट करवा दी गई थी जहाँ पे इस फिल्म की जो एक शूटिंग की हुई थी उसका एक वीडियो बताया गया था शेयर किया गया था किस तरह से इस फिल्म को कैप्चर किया हुआ है पोस्टर और काफ़ी स्टैंड आउट मोमेंट्स भी शेयर किए हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में अट्ठारह दिसंबर दो को सोनी पिक्चर प्रोडक्शन के द्वारा टीजर अनवील किया गया था ऑपरेशन वेलेंटाइन फर्स्ट स्ट्राइक के तौर पे उसके बाद में फरवरी 2024 को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया अब ये फिल्म आने वाले समय में रिलीज होने के लिए तैयार है जहाँ पे टीज़र ट्रेलर जो आउट हुआ है उससे पता चल रहा है कि फिल्म एक अच्छी खासी बनी होगी जो एक पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग चाहिए इसके अलावा एक्शन रिवेंज ड्रामा और जो एरियल एक्शन अभी फिलहाल में नया निकला हुआ इंडियन इंडस्ट्री में तो फाइटर फिल्म के बाद एक बार फिर से इस फिल्म में वह वही सिमिलर थीम के साथ चीज़ें देखने को मिलेगी इस फिल्म में जो गाने जहाँ पे एक गाना है वो जो वंदे मातरम वाला वो वाघा बॉर्डर के ऊपर रिलीज किया गया था पहला सॉन्ग वहाँ पे अनवील किया गया था साउंड ट्रैक बैकग्राउंड को जैसे मैंने कहा कि मिकी जे मेयर ने कंपोज किया हुआ है सारे गा के द्वारा ऑडियो के राइट्स रिक्वायर एक्वायर किए गए थे जहाँ पे एक गाना है गगन नाला जिसके ऊपर बातचीत करें तो उस गाने को सारे गमा वालों ने रिलीज करवाया हुआ था 6 फरवरी 2024 को तो वो गाना था उसको गाया हुआ अरमान मलिक ने राम जोगिया शास्त्री ने लिखा हुआ है और मिकी जयर के मेयर के द्वारा म्यूजिक दिया गया है इसके अलावा एक गाना आपको और सुनने को मिला होगा अभी फिलहाल में जिसका नाम है वंदे मातरम जो पहला सिंगल था फिल्म का तो उसको वाह बॉर्डर के ऊपर जो रिलीज किया गया था उस गाने के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ तो उस गाने को करीबन करीबन सत्रह जनवरी दो हजार चौबीस को रिलीज किया गया था ऑफिशियली फर्स्ट सिंगल के तौर पे जहाँ पे इस गाने को गाया हुआ है कुणाल कुंदू ने कोरस था वो रमिया बेहरा जी मिकी मेयर और कृष्णा तेजस्वी ने दिए हुए लिरिक्स थे वो सारस्वती पुत्र और रामजोग्य शास्त्री ने लिखे हुए कीबोर्ड का काम विखी जयमेर ने संभाला हुआ था बास गिटार था स्टीफन ने दिया हुआ था प्रशिक्षण और रिदम का काम है वंकटेश पतवारी ने दिया हुआ था स्ट्रिंग सेक्शन में सारा स्प्रिंगल ने काम किया हुआ था सॉन्ग की मिक्सिंग मिखी जय मेयर ने की, की हुई थी जो गाना था वो सुबह के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में सोंग के मास्टरिंग वो कायल हॉलैंड के द्वारा यूएसए में करवाई गई थी तो ये कुछ दो गाने फिलहाल में रिलीज़ किए हुए हो सकते हैं आने वाले समय में कुछ और गाने वो डेफिनेटली रिलीज करवाए जाएंगे तो ये सभी गाने फिलहाल में आपको सारे गामा म्यूजिक और सारे गामा के ऊपर तेलुगु और हिंदी दोनों तो वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे वो भी बिल्कुल फ्री में अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत कर लेते हैं थोड़ी बहुत तो फिल्म की ओरिजिनल जो शेड्यूल रिलीज डेट थी थिएट्रिकली वो थी 8 दिसंबर 2023 को बाद में फिल्म को रीड शेड्यूल किया गया था 16 फरवरी 2024 के ऊपर लेकिन फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो डिले हो रहा था क्योंकि एक एरियल एक्शन थी जिसके लिए वे फिक्स ए का काम काफ़ी ज़्यादा चल रहा था उसके लिए फिल्म काफ़ी डिले हुई थी उसके चलते पोस्ट प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से इस फिल्म को बाद में जहा कुछ ऐसे सरकम क्रिएट हुए जिसके चलते एक मार्च दो को रिलीज करने के लिए फिक्स किया गया अभी फिलहाल में इस फिल्म का टीजर दो गाने रिलीज़ हो चुके हैं ट्रेलर रिलीज हो चुका है सभी चीज़ें कंटेंट वाइज देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही है और ये जो फिल्म है एक मार्च दो हजार चौबीस को थिएट्रिकली रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में अब देखते हैं कि ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या इनिशियली डेज के ऊपर रिस्पॉन्स हासिल करती है तेलुगु वर्जन डेफिनेटली वरुण तेज की जो फैन फॉलोइंग है उस हिसाब से डिसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ कलेक्शन करेगा हिंदी वर्जन प्योर डिपेंड करेगा फिल्म के वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर अगर वर्ड ऑफ माउथ

बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ऑपरेशन वेलेंटाइन फिल्म फिलहाल में थिएट्रिकली एक मार्च दो को रिलीज़ होने के लिए तैयार है इसके अलावा ये फिल्म आने वाले कुछ समय के बाद अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु और हिंदी दोनों वर्ज़न में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको ओ वर्जन के कुछ समय के बाद सोनीमैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से ऑपरेशन वेलेंटाइन फिल्म आप ऑफिशियली ओटी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे ऑपरेशन वेलेंटाइन जो 2024 की इंडियन हिस्टोरिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है ये एक बाइलिंगल फिल्म है इस फिल्म को दो लैंग्वेजेस में बनाया गया है जहाँ पे एक है तेलुगु दूसरे हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में बारी बारी से इस फिल्म को शूट किया हुआ है तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रो प्योर वे में इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बनाया गया था एक हिंदी फिल्म कह सकते हैं इसको इसके अलावा इस फिल्म में जो, जो जोनर है एक्शन थ्रिलर उसमें एक और चीज़ ऐड की हुई है ये एक फाइटर फिल्म जो आई हुई थी जिसमें एरियल एक्शन थ्रिलर देखने को मिला था जो इंडिया की पहली एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म थी तो ठीक उसी तरह इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ चीज़ें देखने को मिलती है ये भी एक एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म ही है जहाँ पे यहाँ पे भी आपको पेट्रोटिज़म और वो सभी चीज़ें देखने को मिलेगी आप देखते हैं कि वो सभी चीज़ों के साथ फिल्म में क्या सभी क्या चीज़ें हुई है अदरवाइज़ इस फिल्म में हम दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे शक्ति प्रताप सिंह हड्डा उनका एज ए डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू है जहाँ पे वो काफ़ी बड़ी फिल्म लेके आए हुए एज ए डायरेक्टर के तौर पे फिल्म के डायलॉग्स से वो तेलुगु वर्जन के लिए साय माधव बुर्रा ने लिखे हुए हिंदी वर्जन के लिए वैभव मिर्जे विशाल ने लिखे हुए स्क्रीन प्ले है वो शक्ति प्रताप सिंह हडा आमिर नाहिद खान और सिद्धार्थ राजकुमार ने लिखा हुआ है और डायरेक्शन शक्ति प्रताप सिंह हडा का ही देखने को मिलेगा इसके अलावा इस फिल्म को सोने पिक्चर्स और संदीप मुड्डा के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है जहाँ पे सोन सोनी पिक्चर्स और रीना इजेंस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक डिसेंट अच्छे खासे बजट के साथ बनाया गया है जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में वरुण तेज मानुषी चिल्लर नवदीप मीर सारवार जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो हरी के वेदांतम ने की हुई है एडिटिंग है वो नवीन नुल्ली ने की हुई है जिन्होंने इससे पहले जो जर्सी फिल्म आई थी 2019 की जहाँ पे नानी के साथ उन्होंने वो फिल्म में काम किया हुआ था वहाँ पर उस फिल्म में उन्होंने एज ए एडिटर के तौर पर नेशनल अवार्ड जीता हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें मिक्की जे मेयर के द्वारा इस फिल्म के गाने कंपोज किए गए बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया गया है जहाँ पे म्यूज़िक के राइट्स है वो सारे कमा वालों ने खरीदे हुए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें वरुण तेज लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे रुद्रा का उनका पूरा नाम है अर्जुन रुद्रा देव इसके अलावा इस फिल्म में मानुषी चिल्लर देखने को मिलती है सोनल के रोल में वरुण तेज और मानुषी चिल्लर एक दूसरे के साथ पहली बार काम करते हुए नज़र आए जहाँ पे मानुषी चिल्लर जिन्होंने इससे पहले पृथ्वीराज फिल्म में काम किया हुआ था सम्राट पृथ्वीराज फिल्म में तो उस फिल्म के बाद उन्होंने एक और हिंदी फिल्म थी, की थी द ग्रेट इंडियन फैमिली दो हजार तेईस में और ये पहली उनकी तेलुगु फिल्म है तेलगू डेब्यू कहा जाएगा इसके बाद वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ में भी है और तेहरान फिल्म में भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी मानुषी चिल्लर इस फिल्म में सोनल का रोल प्ले करती हुई नजर आई है जहाँ पे इस फिल्म में नवदीप विंग कमांडर कबीर का रोल प्ले कर रहे रूहानी शर्मा जो तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है एज अ लीड एक्टर के तौर पर उन्होंने काफ़ी सारी तेलुगु फिल्मों में काम किया हुआ है चीला सो फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था हिट द फर्स्ट केस डर्टी हरी नुतकुल्लो जिला दंगाडू और हर चैप्टर वन जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया हुआ फिलहाल में सेंदव फिल्म में भी वो नज़र आई हुई थी वेंकटेश दगुपति के अपोजिट इसके अलावा इस फिल्म में मीर भी एक इम्पोर्टेंट रोल दे, दे प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे इनके थ्रू फिल्म की कहानी को हमारे साथ दिखाया जाएगा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत दो में ही करवा दी गई थी स्टार्टिंग में जहाँ पे इस फिल्म का जो शूटिंग था वो दो लैंग्वेज में था तेलुगु और हिंदी जब इस फिल्म का तीसरा शेड्यूल चल रहा था तब क्रिएटर के द्वारा ऑफिशियल इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था थर्ड शेड्यूल था वो चौदह अगस्त दो हज़ार तेईस को थर्ड शेड्यूल के दौरान ऑपरेशन वेलेंटाइन नाम के साथ इस फिल्म को अनाउंस किया गया था उन्नीस तो अक्टूबर दो हज़ार तेईस को बताया गया था कि इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी ब्रेपअप हो चुकी है इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी पहले ही स्टार्ट करवा दी गई थी जहाँ पे इस फिल्म की जो एक शूटिंग की हुई थी उसका एक वीडियो बताया गया था शेयर किया गया था किस तरह से इस फिल्म को कैप्चर किया हुआ है पोस्टर और काफ़ी स्टैंड आउट मोमेंट भी शेयर किए हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में 18 दिसंबर 2023 को सोनी पिक्चर प्रोडक्शन के द्वारा टीजर अनवील किया गया था ऑपरेशन वेलेंटाइन फर्स्ट स्ट्राइक के तौर पे उसके बाद में फरवरी 2024 को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया अब ये फिल्म आने वाले समय में रिलीज़ होने के लिए तैयार है जहाँ पे टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उससे पता चल रहा है कि फिल्म एक अच्छी खासी बनी होगी जो एक पेट्रोटिज्म वाली फिलिंग चाहिए इसके अलावा एक्शन, रिवेंज ड्रामा और जो एरियल एक्शन अभी फिलहाल में नया निकला हुआ इंडियन इंडस्ट्री में तो फाइटर फिल्म के बाद एक बार फिर से इस फिल्म में वो सब वही सिमिलर सिमिलर थीम के साथ चीज़ें देखने को मिलेगी इस फिल्म में जो गाने हैं जहाँ पे एक गाना है वो जो वंदे मातरम वाला वो वाघा बॉर्डर के ऊपर रिलीज किया गया था पहला सॉन्ग वहाँ पे अनविल किया गया था साउंड ट्रैक बैकग्राउंड को जैसे मैंने कहा कि मिकी जे मेयर ने कंपोज किया हुआ है सारे गमा के द्वारा ऑडियो के राइट्स रिक्वायर एक्वायर किए गए थे जहाँ पे एक गाना है गगन नाला जिसके ऊपर बातचीत करें तो उस गाने को सारे गमा वालों ने रिलीज़ करवाया हुआ था 6 फरवरी 2024 को तो वो गाना था उसको गाया हुआ है अरमान मलिक ने राम जोगे शास्त्री ने लिखा हुआ है और मिकी जेयर के मेयर के द्वारा म्यूजिक दिया गया है इसके अलावा एक गाना आपको और सुनने को मिला होगा अभी फिलहाल में जिसका नाम है वंदे मातरम जो पहला सिंगल था फिल्म का तो उसको वाह बॉर्डर के ऊपर जो रिलीज किया गया था उस गाने के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ तो उस गाने को करीबन करीबन सत्रह जनवरी दो हजार चौबीस को रिलीज किया गया था ऑफिशियली फर्स्ट सिंगल के तौर पे जहाँ पे इस गाने को गाया हुआ है कुणाल कुंदू ने कोरस था वो रमिया बेहरा जी मिकी जे, मेयर और कृष्णा तेजस्वी ने दिए हुए लिरिक्स थे वो सारस्वती पुत्र और रामजोग्य शास्त्री ने लिखे हुए कीबोर्ड का काम विखी कीजिए मेयर ने संभाला हुआ था बास गिटार था स्टीफन ने दिया हुआ था प्रशिक्षण और रिदम का काम है वंकटेश पतवारी ने दिया हुआ था स्ट्रिंग सेक्शन में सारा स्प्रिंगल ने काम किया हुआ था सॉन्ग की मिक्सिंग मिखी कीजिए मेयर ने की, की हुई थी जो गाना था वो सुबह के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में सोंग के मास्टरिंग वो कायल हॉलैंड के द्वारा यूएसए में करवाई गई थी तो ये कुछ दो गाने फिलहाल में रिलीज किए हुए हो सकते हैं आने वाले समय में कुछ और गाने हो वो डेफिनेटली रिलीज करवाए जाएंगे तो ये सभी गाने फिलहाल में आपको सारे गामा म्यूजिक और सारे गामा के ऊपर तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे वो भी बिल्कुल फ्री में अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत कर लेते हैं थोड़ी बहुत तो फिल्म की ओरिजिनल जो शेड्यूल रिलीज डेट थी थिएट्रिकली वो थी आठ दिसंबर 2023 को बाद में फिल्म को रीड शेड्यूल किया गया था 16 फरवरी 2024 के ऊपर लेकिन फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो डिले हो रहा था क्योंकि एक एरियल एक्शन थी जिसके लिए वेब फिक्स जी का काम काफ़ी ज़्यादा चल रहा था उसके लिए फिल्म काफ़ी डिले हुई थी उसके चलते पोस्ट प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से इस फिल्म को बाद में जहाँ कुछ ऐसे सरकमटेंसीज क्रिएट हुए जिसके चलते एक मार्च 2024 को रिलीज करने के लिए फिक्स किया गया अभी फिलहाल में इस फिल्म का टीजर दो गाने रिलीज हो चुके हैं ट्रेलर रिलीज हो चुका है सभी चीज़ें कंटेंट वाइज देखा जाए तो काफी बढ़िया नजर आ रही है और ये जो फिल्म है एक मार्च दो हजार चौबीस को थिएट्रिकली रिलीज़ होती हुई नजर आएगी तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में अब देखते हैं कि यह फिल्म किस तरह से कैसे क्या कै, इनिशियली डेज के ऊपर रिस्पॉन्स हासिल करते तेलुगु वर्जन डेफिनेटली वरुण तेज की जो फैन फॉलोइंग है उस हिसाब से डिसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ कलेक्शन करेगा हिंदी वर्जन प्योर डिपेंड करेगा फिल्म के वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर अगर वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव निकल के आता है तो तेलुगु में तीन दिनों के बाद डेज में भी अच्छा कलेक्शन रहेगा और एक लंबा रन ले सकती है फिल्म और बढ़िया कलेक्शन कर सकती है हिंदी मार्केट में भी ये फिल्म अगर अच्छी रिस्पॉन्स हासिल की तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन कर सकती है अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ किस तरह से कैसे क्या रिस्पॉन्स रहता है अगर ये फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो डेफिनेटली तेलुगु हिंदी दोनों वर्जन में एक बढ़िया कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल का टेगमाक हासिल कर सकती है इस फिल्म के जो ओ टी टी है तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन के लिए वो खरीदे अमेजन प्राइम वीडियो ने वहीं पर इस फिल्म के हिंदी सेटेलाइट राइट्स से है वो सोनी मैक्स के पास है सोनी एंटरटेनमेंट के पास है इसका मतलब थिएट्रिकली रिलीज़ के कुछ दिनों के बाद पचास साठ दिनों के बाद ये फिल्म एम

इसके अलावा ये फिल्म आने वाले कुछ समय के बाद अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर तेलगु और हिंदी दोनों वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको ओ वर्जन के कुछ समय के बाद सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो इस तरह से ऑपरेशन वेलेंटाइन फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे ऑपरेशन वेलेंटाइन जो 2024 की इंडियन हिस्टोरिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है ये एक बाइलिंगल फिल्म है इस फिल्म को दो लैंग्वेज में बनाया गया है जहाँ पे एक है तेलुगु दूसरे हिंदी दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से इस फिल्म को शूट किया हुआ है तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रो प्योर वे में इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बनाया गया तो एक हिंदी फिल्म कह सकते हैं इसको इसके अलावा इस फिल्म में जो, जो जोनर है एक्शन थ्रिलर उसमें एक और चीज़ ऐड की हुई है ये एक फाइटर फिल्म जो आई हुई थी जिसमें एरियल एक्शन थ्रिलर देखने को मिला था जो इंडिया की पहली एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म थी तो ठीक उसी तरह इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ चीज़ें देखने को मिलती है ये भी एक एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म ही है जहाँ पे यहाँ पे भी आपको पेट्रोटिज़म और वो सभी चीज़ें देखने को मिलेगी तो आप देखते हैं कि वो सभी चीज़ों के साथ फिल्म में क्या सभी क्या चीज़ें हुई है अदरवाइज इस फिल्म में हम दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे शक्ति प्रताप सिंह हड्डा उनका एज ए डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू है जहाँ पे वो काफ़ी बड़ी फिल्म लेके आए हुए एज ए डायरेक्टर के तौर पे फिल्म के डायलॉग्स है वो तेलुगु वर्जन के लिए साए माधव गुर्रा ने लिखे हुए हिंदी वर्जन के लिए वैभव मिजे विशाल ने लिखे हुए स्क्रीन प्ले है वो शक्ति प्रताप सिंह हडा आमिर नाहिद खान और सिद्धार्थ राजकुमार ने लिखा हुआ है और डायरेक्शन शक्ति प्रताप सिंह हडा का ही देखने को मिलेगा इसके अलावा इस फिल्म को सोने पिक्चर्स और संदीप मुड्डा के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है जहाँ पे सोन सोनी पिक्चर्स और रीना इजेंस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक डिसेंट अच्छे खासे बजट के साथ बनाया गया है जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में वरुण तेज मानुषी चिल्लर नवदीप मीर सारववार जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो हरी के वेदांतम ने की हुई है एडिटिंग है वो नवीन नुल्ली ने की हुई है जिन्होंने इससे पहले जो जर्सी फिल्म आई थी 2019 की जहाँ पे नानी के साथ उन्होंने वो फिल्म में काम किया हुआ था वहाँ पर उस फिल्म में उन्होंने एज ए एडिटर के तौर पर नेशनल अवार्ड जीता हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें मिक्की जे मेयर के द्वारा इस फिल्म के गाने कम्पोज किए गए बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया गया है जहाँ पे म्यूज़िक के राइट्स है वो सारे कमा वालों ने ख़रीदे हुए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे स्पेक् के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें वरुण तेज लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे रुद्रा का उनका पूरा नाम है अर्जुन रुद्रा देव इसके अलावा इस फिल्म में मानुषी चिल्लर देखने को मिलती है सोनल के रोल में वरुण तेज और मानुषी चिल्लर एक दूसरे के साथ पहली बार काम करते हुए नज़र आए जहाँ पे मानुषी चिल्लर जिन्होंने इससे पहले पृथ्वीराज फिल्म में काम किया हुआ था सम्राट पृथ्वीराज फिल्म में तो उस फिल्म के बाद उन्होंने एक और हिंदी फिल्म थी, की थी द ग्रेट इंडियन फैमिली 2023 में और ये पहली उनकी तेलुगु फिल्म है तेलुगु डेब्यू कहा जाएगा इसके बाद वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ में भी है और तेहरान फिल्म में भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी मानुषी चिल्लर इस फिल्म में सोनल का रोल प्ले करती हुई नज़र आई है जहाँ पे इस फिल्म में नवदीप विंग कमांडर कबीर का रोल प्ले कर रहे हैं रूहानी शर्मा जो तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है एज अ लीड एक्टर के तौर पर उन्होंने काफ़ी सारी तेलुगु फिल्मों में काम किया हुआ है चीला सो फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था हिट द फर्स्ट केस डर्टी हरी नुतकुल्लो जिला दंगाडू और हर चैप्टर वन जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया हुआ है फिलहाल में सेंधव फिल्म में भी वो नजर आई हुई थी वेंकटेश दगुपती के अपोजिट इसके अलावा इस फिल्म मीर सारववार भी एक इम्पोर्टेंट रोल दे, दे प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे इनके थ्रू फिल्म की कहानी को हमारे साथ दिखाया जाएगा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत 2023 में ही करवा दी गई थी स्टार्टिंग में जहाँ पे इस फिल्म का जो शूटिंग था वो दो लैंग्वेजेस में था तेलुगु और हिंदी जब इस फिल्म का तीसरा शेड्यूल चल रहा था तब क्रिएटर के द्वारा ऑफिशियल इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था थर्ड शेड्यूल सी, था वो चौदह अगस्त दो हज़ार तेईस को थर्ड शेड्यूल के दौरान ऑपरेशन वेलेंटाइन नाम के साथ इस फिल्म को अनाउंस किया गया था उन्नीस तो अक्टूबर दो हज़ार तेईस को बताया गया था कि इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी ब्रेपअप हो चुकी है इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी पहले ही स्टार्ट करवा दी गई थी जहाँ पे फिल्म की जो एक शूटिंग की हुई थी उसका एक वीडियो बताया गया था शेयर किया गया था किस तरह से इस फिल्म को कैप्चर किया हुआ है पोस्टर और काफी स्टैंड आउट मोमेंट भी शेयर किए हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में अट्ठारह दिसंबर दो को सोनी पिक्चर प्रोडक्शन के द्वारा टीजर अनवील किया गया था ऑपरेशन वेलेंटाइन फर्स्ट स्ट्राइक के तौर पे उसके बाद में फरवरी 2024 को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया अब ये फिल्म आने वाले समय में रिलीज़ होने के लिए तैयार है जहाँ पे टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उससे पता चल रहा है कि फिल्म एक अच्छी खासी बनी होगी जो एक पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग चाहिए इसके अलावा एक्शन रिवेंज ड्रामा और जो एरियल एक्शन अभी फिलहाल में नया निकला हुआ है इंडियन इंडस्ट्री में तो फाइटर फिल्म के बाद एक बार फिर से इस फिल्म में वह वही सिमिलर फिर सिमिलर थीम के साथ चीज़ें देखने को मिलेगी इस फिल्म में जो गाने हैं जहाँ पे एक गाना है वो जो वंदे मातरम वाला वो वाघा बॉर्डर के ऊपर रिलीज़ किया गया था पहला सॉन्ग वहाँ पे अनवील किया गया था साउंड ट्रैक बैकग्राउंड जैसे मैंने कहा कि मिकी जे मेयर ने कंपोज किया हुआ है सारे गा के द्वारा ऑडियो के राइट्स रिक्वायर एक्वायर किए गए थे जहाँ पे एक गाना है गगन नाला जिसके ऊपर बातचीत करें तो उस गाने को सारे गमा वालों ने रिलीज करवाया हुआ था छः फरवरी दो को तो वो गाना था उसको गाया हुआ है अरमान मलिक ने राम जोगे शास्त्री ने लिखा हुआ है और मिकी जेयर के मेयर के द्वारा म्यूज़िक दिया गया है इसके अलावा एक गाना आपको और सुनने को मिला होगा अभी फिलहाल में जिसका नाम है वंदे मातरम जो पहला सिंगल था फिल्म का तो उसको वाह बॉर्डर के ऊपर जो रिलीज़ किया गया था उस गाने के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ तो उस गाने को करीबन करीबन सत्रह जनवरी दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया था ऑफिशियली फर्स्ट सिंगल के तौर पे जहाँ पे इस गाने को गाया हुआ है कुणाल कुंदू ने कोरस था रमिया बेहरा जी मिकी जय मेयर और कृष्णा तेजस्वी ने दिए हुए लिरिक्स थे वो सारस्वती पुत्र और रामजोग्य शास्त्री ने लिखे हुए कीबोर्ड का काम विखी जयमेर ने संभाला हुआ था बांस गिटार था स्टीफन ने दिया हुआ था प्रशिक्षण और रिदम का काम है वंकटेश पतवारी ने दिया हुआ था स्ट्रिंग सेक्शन में सारा स्प्रिंगल ने काम किया हुआ था सोंग की मिक्सिंग मिखी जय मेयर ने की हुई थी जो गाना था वो सुबह के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में सॉन्ग के मास्टरिंग वो कायल हॉलैंड के द्वारा यूएसए में करवाई गई थी तो ये कुछ दो गाने फिलहाल में रिलीज़ किए हुए हो सकते हैं आने वाले समय में कुछ और गाने वो डेफिनेटली रिलीज करवाए जाएंगे तो ये सभी गाने फिलहाल में आपको सारे गामा म्यूजिक और सारे गामा के ऊपर तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे वो भी बिल्कुल फ्री में अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत कर लेते थोड़ी बहुत तो फिल्म की ओरिजिनल जो शेड्यूल रिलीज डेट थी थिएट्रिकली वो थी आठ दिसंबर दो हज़ार तेईस को बाद में फिल्म को रीड शेड्यूल किया गया था सोलह फरवरी दो हज़ार चौबीस के ऊपर लेकिन फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो डिले हो रहा था क्योंकि एक एरियल एक्शन थी जिसके लिए वे फिक्स का काम काफ़ी ज़्यादा चल रहा था उसके लिए फिल्म काफ़ी डिले हुई थी उसके चलते पोस्ट प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से इस फिल्म को बाद में जहा कुछ ऐसे सरकमटेंसीज क्रिएट हुए जिसके चलते एक मार्च 2024 को रिलीज करने के लिए फिक्स किया गया अभी फिलहाल में इस फिल्म का टीजर दो गाने रिलीज़ हो चुके हैं ट्रेलर रिलीज हो चुका है सभी चीज़ें कंटेंट वाइज देखा जाए काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है और ये जो फिल्म है एक मार्च दो को थिएट्रिकली रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में अब देखते हैं कि ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या कै? इनिशियली डेज के ऊपर रिस्पॉन्स हासिल करते तेलुगु वर्ज़न डेफिनेटली वरुण तेज की जो फैन फॉलोइंग है उस हिसाब से डिसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ कलेक्शन करेगा हिंदी वर्जन प्योर डिपेंड करेगा फिल्म के वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर अगर वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव निकल के आता है तो तेलुगू में तीन दिनों के बाद विग डेज में भी अच्छा कलेक्शन रहेगा और एक लंबा रन ले सकती है फिल्म और बढ़िया कलेक्शन कर सकती है हिंदी मार्केट में भी ये फिल्म अगर अच्छी रिस्पॉन्स हासिल की तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन कर सकती है अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ किस तरह से कैसे क्या रिस्पॉन्स रहता है अगर ये फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो डेफिनेटली तेलुगु हिंदी दोनों वर्जन में एक बढ़िया कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल का टेगमाक हासिल कर सकती है इस फिल्म के जो ओ टी टी राइड्स है तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन के लिए वो खरीदे अमेजन प्राइम वीडियो ने वहीं पर इस फिल्म के हिंदी सेटेलाइट राइट्स से है वो सोनी मैक्स के पास है सोनी एंटरटेनमेंट के पास है इसका मतलब थिएट्रिकली रिलीज़ के कुछ दिनों के बाद पचास साठ दिनों के बाद ये फिल्म अमेज

इसके अलावा ये फिल्म आने वाले कुछ समय के बाद अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर तेलगु और हिंदी दोनों वर्ज़न में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको ओ वर्जन के कुछ समय के बाद सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से ऑपरेशन वेलेंटाइन फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे ऑपरेशन वेलेंटाइन जो 2024 की इंडियन हिस्टोरिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है ये एक बाइलिंगल फिल्म है इस फिल्म को दो लैंग्वेज में बनाया गया है जहाँ पे एक है तेलुगु दूसरे हिंदी दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से इस फिल्म को सूट किया हुआ है तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रो प्योर वे में इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बनाया गया एक हिंदी फिल्म कह सकते हैं इसको इसके अलावा इस फिल्म में जो, जो जोनर है एक्शन थ्रिलर उसमें एक और चीज़ ऐड की हुई है ये एक फाइटर फिल्म जो आई हुई थी जिसमें एरियल एक्शन थ्रिलर देखने को मिला था जो इंडिया की पहली एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म थी तो ठीक उसी तरह इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ चीज़ें देखने को मिलती है ये भी एक एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म ही है जहाँ पे यहाँ पे भी आपको पेट्रोटिज़म और वो सभी चीज़ें देखने को मिलेगी तो आप देखते हैं कि वो सभी चीज़ों के साथ फिल्म में क्या सभी क्या चीज़ें हुई है अदरवाइज़ इस फिल्म में हम दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे शक्ति प्रताप सिंह हड्डा उनका एज ए डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू है जहाँ पे वो काफ़ी बड़ी फिल्म लेके आए हुए एज ए डायरेक्टर के तौर पे फिल्म के डायलॉग से वो तेलुगु वर्जन के लिए साए माधव भुर्रा ने लिखे हुए हिंदी वर्जन के लिए वैभव मिर्ज विशाल ने लिखे हुए स्क्रीन प्ले है वो शक्ति प्रताप सिंह हडा आमिर नाहिद खान और सिद्धार्थ राजकुमार ने लिखा हुआ है और डायरेक्शन शक्ति प्रताप सिंह हडा का ही देखने को मिलेगा इसके अलावा इस फिल्म को सोने पिक्चर्स और संदीप मुड्डा के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है जहाँ पे सोन सोनी पिक्चर्स और रीना इजेंस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक डिसेंट अच्छे खासे बजट के साथ बनाया गया है जहां पर इस फिल्म की कास्टिंग में वरुण तेज मानुषी चिल्लर नवदीप मीर जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो हरी के वेदांतम ने की हुई है एडिटिंग है वो नवीन नुल्ली ने की हुई है जिन्होंने इससे पहले जो जर्सी फिल्म आई थी 2019 की जहाँ पे नानी के साथ उन्होंने वो फिल्म में काम किया हुआ था वहां पे उस फिल्म में उन्होंने एज ए एडिटर के तौर पे नेशनल अवार्ड जीता हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें मिक्की जे मेयर के द्वारा इस फिल्म के गाने कंपोज किए गए बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया गया है जहां पे म्यूजिक के राइट्स है वो सारे कमा वालों ने खरीदे हुए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें वरुण तेज लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे रुद्रा का उनका पूरा नाम है अर्जुन रुद्रा देव इसके अलावा इस फिल्म में मानुषी चिल्लर देखने को मिलती है सोनल के रोल में वरुण तेज और मानुषी चिल्लर एक दूसरे के साथ पहली बार काम करते हुए नज़र आए जहाँ पे मानुषी चिल्लर जिन्होंने इससे पहले पृथ्वीराज फिल्म में काम किया हुआ था सम्राट पृथ्वीराज फिल्म में तो उस फिल्म के बाद उन्होंने एक और हिंदी फिल्म थी, की थी द ग्रेट इंडियन फैमिली दो हजार तेईस में और ये पहली उनकी तेलुगु फिल्म है तेलुगू डेब्यू कहा जाएगा इसके बाद वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ में भी है और तेहरान फिल्म में भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी मानुसी चिल्लर इस फिल्म में सोनल का रोल प्ले करती हुई नज़र आई है जहाँ पे इस फिल्म में नवदीप विंग कमांडर कबीर का रोल प्ले कर रहे रूहानी शर्मा जो तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है एज अ लीड एक्टर के तौर पर उन्होंने काफ़ी सारी तेलुगु फिल्मों में काम किया हुआ है चीला सो फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था हिट द फर्स्ट केस डर्टी हरी नुतकुल्लो जिला दंगाडू और हर चैप्टर वन जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया हुआ फिलहाल में सेंधव फिल्म में भी वो नजर आई हुई थी वेंकटेश दगुपति के अपोजिट इसके अलावा इस फिल्म में मीर सारववार भी एक इम्पोर्टेंट रोल दे, दे प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे इनके थ्रू फिल्म की कहानी को हमारे साथ दिखाया जाएगा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत दो में ही करवा दी गई थी स्टार्टिंग में जहाँ पे इस फिल्म का जो शूटिंग था वो दो लैंग्वेज में था तेलुगु और हिंदी जब इस फिल्म का तीसरा शेड्यूल चल रहा था तब क्रिएटर के द्वारा ऑफिशियल इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था थर्ड शेड्यूल था वो चौदह अगस्त दो हज़ार तेईस को थर्ड शेड्यूल के दौरान ऑपरेशन वेलेंटाइन नाम के साथ इस फिल्म को अनाउंस किया गया था उन्नीस अक्टूबर दो हज़ार तेईस को बताया गया था कि इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी ब्रेपअप हो चुकी है इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी पहले ही स्टार्ट करवा दी गई थी जहाँ पे इस फिल्म की जो एक शूटिंग की हुई थी उसका एक वीडियो बताया गया था शेयर किया गया था किस तरह से इस फिल्म को कैप्चर किया हुआ है पोस्टर और काफ़ी स्टैंड आउट मोमेंट भी शेयर किए हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में 18 दिसंबर 2023 को सोनी पिक्चर प्रोडक्शन के द्वारा टीजर अनवील किया गया था ऑपरेशन वैलेंटाइन फर्स्ट स्ट्राइक के तौर पर उसके बाद में फरवरी 2024 को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया अब ये फिल्म आने वाले समय में रिलीज़ होने के लिए तैयार है जहाँ पे टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उससे पता चल रहा है कि फिल्म एक अच्छी खासी बनी होगी जो एक पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग चाहिए इसके अलावा एक्शन रिवेंज ड्रामा और जो एरियल एक्शन अभी फ़िलहाल में नया निकला हुआ है इंडियन इंडस्ट्री में तो फाइटर फिल्म के बाद एक बार फिर से इस फिल्म में वह वही सिमिलर थीम के साथ चीज़ें देखने को मिलेगी इस फिल्म में जो गाने हैं जहाँ पे एक गाना है वो जो वंदे मातरम वाला वो वाघा बॉर्डर के ऊपर रिलीज़ किया गया था पहला सॉन्ग वहाँ पे अनवील किया गया था साउंड ट्रैक बैकग्राउंड जैसे मैंने कहा कि मिकी जे मेयर ने कंपोज़ किया हुआ है सारे गमा के द्वारा ऑडियो के राइट्स रिक्वायर एक्वायर किए गए थे जहाँ पे एक गाना है गगन नाला जिसके ऊपर बातचीत करें तो उस गाने को सारे गमा वालों ने रिलीज करवाया हुआ था छः फरवरी दो को तो वो गाना था उसको गाया हुआ है अरमान मलिक ने राम जोगे शास्त्री ने लिखा हुआ है और मिकी जेयर के मेयर के द्वारा म्यूज़िक दिया गया है इसके अलावा एक गाना आपको और सुनने को मिला होगा अभी फिलहाल में जिसका नाम है वंदे मातरम जो पहला सिंगल था फिल्म का तो उसको वाह बॉर्डर के ऊपर जो रिलीज़ किया गया तो उस गाने के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ तो उस गाने को करीबन करीबन 17 जनवरी दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया था ऑफिशियली फर्स्ट सिंगल के तौर पे जहाँ पे इस गाने को गाया हुआ है कुणाल कुंदू ने कोरस था वो रमिया बेहरा जी मिकी जय मेयर और कृष्णा तेजस्वी ने दिए हुए लिरिक्स थे वो सारस्वती पुत्र और रामजोग्य शास्त्री ने लिखे हुए कीबोर्ड का काम मिखी जय मेयर ने संभाला हुआ था बास गिटार था स्टीफन ने दिया हुआ था प्रशिक्षण और रिदम का काम है वंकटेश पतवारी ने दिया हुआ था स्ट्रिंग सेक्शन में सारा स्प्रिंगल ने काम किया हुआ था सॉन्ग की मिक्सिंग मिखी जय मेयर ने की, की हुई थी जो गाना था वो सुबह के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में सॉन्ग के मास्टरिंग वो कायल हॉलैंड के द्वारा यूएसए में करवाई गई थी तो ये कुछ दो गाने फिलहाल में रिलीज किए हुए हो सकते हैं आने वाले समय में कुछ और गाने वो डेफिनेटली रिलीज करवाए जाएंगे तो ये सभी गाने फिलहाल में आपको सारे गामा म्यूजिक और सारे गामा के ऊपर तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे वो भी बिल्कुल फ्री में अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत कर लेते हैं थोड़ी बहुत तो फिल्म की ओरिजिनल जो शेड्यूल रिलीज डेट थी थिएट्रिकली वो थी आठ दिसंबर 2023 को बाद में फिल्म को रीड शेड्यूल किया गया था 16 फरवरी 2024 के ऊपर लेकिन फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो डिले हो रहा था क्योंकि एक एरियल एक्शन थी जिसके लिए वे जे का का काम काफ़ी ज़्यादा चल रहा था उसके लिए फिल्म काफ़ी डिले हुई थी उसके चलते पोस्ट प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से इस फिल्म को बाद में कुछ ऐसे सरकमटेंसी क्रिएट हुए जिसके चलते एक मार्च दो को रिलीज करने के लिए फिक्स किया गया अभी फिलहाल में इस फिल्म का टीजर दो गाने रिलीज हो चुके हैं ट्रेलर रिलीज हो चुका है सभी चीज़ें कंटेंट वाइज देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही है और ये जो फिल्म है एक मार्च दो हजार चौबीस को थिएट्रिकली रिलीज़ होती हुई नजर आएगी तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में अब देखते हैं कि ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या इनिशियली डेज के ऊपर रिस्पॉन्स हासिल करती है तेलुगु वर्जन डेफिनेटली वरुण तेज की जो फैन फॉलोइंग है उस हिसाब से डिसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ कलेक्शन करेगा हिंदी वर्जन प्योर डिपेंड करेगा फिल्म के वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर अगर वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव निकल के आता है तो तेलुगु में तीन दिनों के बाद वीक डेज में भी अच्छा कलेक्शन रहेगा और एक लंबा रन ले सकती है फिल्म और बढ़िया कलेक्शन कर सकती है हिंदी मार्केट में भी ये फिल्म अगर अच्छी रिस्पॉन्स हासिल की तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन कर सकती है अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ किस तरह से कैसे क्या रिस्पांस रहता है अगर ये फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो डेफिनेटली तेलुगु हिंदी दोनों वर्जन में एक बढ़िया कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल का मार्क हासिल कर सकती है इस फिल्म के जो ओ टी टी है तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन के लिए वो खरीदे अमेजोन प्राइम वीडियो ने वहीं पर इस फिल्म के हिंदी सेटेलाइट राइट्स से है वो सोनी मैक्स के पास है सोनी एंटरटेनमेंट के पास है इसका मतलब थिएट्रिकली रिलीज़ के कुछ दिनों के बाद पचास साठ दिनों के बाद ये फिल्म एम

इसके अलावा ये फिल्म आने वाले कुछ समय के बाद अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर तेलगु और हिंदी दोनों वर्ज़न में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको ओ वर्जन के कुछ समय के बाद सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो इस तरह से ऑपरेशन वेलेंटाइन फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे ऑपरेशन वेलेंटाइन जो 2024 की इंडियन हिस्टोरिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है ये एक बाइलिंगल फिल्म है इस फिल्म को दो लैंग्वेज में बनाया गया है जहाँ पे एक है तेलुगु दूसरे हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में बारी बारी से इस फिल्म को शूट किया हुआ है तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रो प्योर वे में इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बनाया गया एक हिंदी फिल्म कह सकते हैं इसको इसके अलावा इस फिल्म में जो, जो जोनर है एक्शन थ्रिलर उसमें एक और चीज़ ऐड की हुई है ये एक फ़ाइटर फिल्म जो आई हुई थी जिसमें एरियल एक्शन थ्रिलर देखने को मिला था जो इंडिया की पहली एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म थी तो ठीक उसी तरह इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ चीज़ें देखने को मिलती है ये भी एक एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म ही है जहाँ पे यहाँ पे भी आपको पेट्रोटिज़म और वो सभी चीज़ें देखने को मिलेगी तो आप देखते हैं कि वो सभी चीज़ों के साथ फिल्म में क्या सभी क्या चीज़ें हुई है अदरवाइज इस फिल्म में हम दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे शक्ति प्रताप सिंह हड्डा उनका एज ए डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू है जहाँ पे वो काफ़ी बड़ी फिल्म लेके आए हुए एज ए डायरेक्टर के तौर पे फिल्म के डायलॉग्स से वो तेलुगु वर्जन के लिए साए माधव बुर्रा ने लिखे हुए हिंदी वर्जन के लिए वैभव मिजे विशाल ने लिखे हुए स्क्रीन प्ले है वो शक्ति प्रताप सिंह हडा आमिर नाहिद खान और सिद्धार्थ राजकुमार ने लिखा हुआ है और डायरेक्शन शक्ति प्रताप सिंह हडा का ही देखने को मिलेगा इसके अलावा इस फिल्म को सोने पिक्चर्स और संदीप मुड्डा के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है जहाँ पे सोन सोनी पिक्चर्स और रीना इजेंस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक डिसेंट अच्छे खासे बजट के साथ बनाया गया है जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में वरुण तेज मानुषी चिल्लर नवदीप मीर सारववार जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो हरी के वेदांतम ने की हुई है एडिटिंग है वो नवीन नुल्ली ने की हुई है जिन्होंने इससे पहले जो जर्सी फिल्म आई थी 2019 की जहाँ पे नानी के साथ उन्होंने वो फिल्म में काम किया हुआ था वहाँ पर उस फिल्म में उन्होंने एज ए एडिटर के तौर पर नेशनल अवार्ड जीता हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें मिक्की जे मेयर के द्वारा इस फिल्म के गाने कंपोज किए गए बैकग्राउंड स्कोर कम्पोज किया गया है जहाँ पे म्यूज़िक के राइट्स है वो सारे कमा वालों ने ख़रीदे हुए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे स्पेक् के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें वरुण तेज लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे रुद्रा का उनका पूरा नाम है अर्जुन रुद्रा देव इसके अलावा इस फिल्म में मानुषी चिल्लर देखने को मिलती है सोनल के रोल में वरुण तेज और मानुषी चिल्लर एक दूसरे के साथ पहली बार काम करते हुए नजर आए जहाँ पे मानुषी चिल्लर जिन्होंने इससे पहले पृथ्वीराज फिल्म में काम किया हुआ था सम्राट पृथ्वीराज फिल्म में तो उस फिल्म के बाद उन्होंने एक और हिंदी फिल्म थी, की थी द ग्रेट इंडियन फैमिली 2023 में और ये पहली उनकी तेलुगु फिल्म है तेलुगु डेब्यू कहा जाएगा इसके बाद वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ में भी है और तेहरान फिल्म में भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी मानुषी चिल्लर इस फिल्म में सोनल का रोल प्ले करती हुई नज़र आई है जहाँ पे इस फिल्म में नवदीप विंग कमांडर कबीर का रोल प्ले कर रहे हैं रूहानी शर्मा जो तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है एज अ लीड एक्टर के तौर पर उन्होंने काफ़ी सारी तेलुगु फिल्मों में काम किया हुआ है चीला सो फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था हिट द फर्स्ट केस डर्टी हरी नुतकुल्लो जिला दंगाडू और हर चैप्टर वन जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया हुआ फिलहाल में सेंधव फिल्म में भी वो नज़र आई हुई थी वेंकटेश दगूपती के अपोजिट इसके अलावा इस फिल्म मेर सारववार भी एक इम्पोर्टेंट रोल दे, दे प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे इनके थ्रू फिल्म की कहानी को हमारे साथ दिखाया जाएगा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत दो में ही करवा दी गई थी स्टार्टिंग में जहाँ पे इस फिल्म का जो शूटिंग था वो दो लैंग्वेज में था तेलुगु और हिंदी जब इस फिल्म का तीसरा शेड्यूल चल रहा था तब क्रिएटर के द्वारा ऑफिशियल इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था थर्ड शेड्यूल सी, था वो चौदह अगस्त दो हज़ार तेईस को थर्ड शेड्यूल के दौरान ऑपरेशन वेलेंटाइन नाम के साथ इस फिल्म को अनाउंस किया गया था उन्नीस तो अक्टूबर दो हज़ार तेईस को बताया गया था कि इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी ब्रेपअप हो चुकी है इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी पहले ही स्टार्ट करवा दी गई थी जहाँ पे फिल्म की जो एक शूटिंग की हुई थी उसका एक वीडियो बताया गया था शेयर किया गया था किस तरह से इस फिल्म को कैप्चर किया हुआ है पोस्टर और काफी स्टैंड आउट मोमेंट भी शेयर किए हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में 18 दिसंबर दो को सोनी पिक्चर प्रोडक्शन के द्वारा टीजर अनवील किया गया था ऑपरेशन वेलेंटाइन फर्स्ट स्ट्राइक के तौर पर उसके बाद में फरवरी 2024 को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया अब ये फिल्म आने वाले समय में रिलीज़ होने के लिए तैयार है जहाँ पे टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उससे पता चल रहा है कि फिल्म एक अच्छी खासी बनी होगी जो एक पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग चाहिए इसके अलावा एक्शन रिवेंज ड्रामा और जो एरियल एक्शन अभी फ़िलहाल में नया निकला हुआ है इंडियन इंडस्ट्री में तो फाइटर फिल्म के बाद एक बार फिर से इस फिल्म में वह वही सिमल, फिर सिमिलर थीम के साथ चीज़ें देखने को मिलेगी इस फिल्म में जो गाने हैं जहाँ पे एक गाना है वो जो वंदे मातरम वाला वो वाघा बॉर्डर के ऊपर रिलीज़ किया गया था पहला सॉन्ग वहाँ पे अनवील किया गया था साउंड ट्रैक बैकग्राउंड उसको जैसे मैंने कहा कि मिकी जे मेयर ने कंपोज किया हुआ है सारे गा के द्वारा ऑडियो के राइट्स रिक्वायर एक्वायर किए गए थे जहाँ पे एक गाना है गगन नाला जिसके ऊपर बातचीत करें तो उस गाने को सारे गमा वालों ने रिलीज करवाया हुआ था छ फरवरी दो को तो वो गाना था उसको गाया हुआ है अरमान मलिक ने राम जोगे शास्त्री ने लिखा हुआ है और मिकी जेयर के मेयर के द्वारा म्यूज़िक दिया गया है इसके अलावा एक गाना आपको और सुनने को मिला होगा अभी फिलहाल में जिसका नाम है वंदे मातरम जो पहला सिंगल था फिल्म का तो उसको वाह बॉर्डर के ऊपर जो रिलीज़ किया गया था उस गाने के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ तो उस गाने को करीबन करीबन 17 जनवरी दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया था ऑफिशियली फर्स्ट सिंगल के तौर पे जहाँ पे इस गाने को गाया हुआ है कुणाल कुंदू ने कोरस था वो रमिया बेहरा जी मिकी जे मेयर और कृष्णा तेजस्वी ने दिए हुए लिरिक्स थे वो सारस्वती पुत्र और रामजोग्य शास्त्री ने लिखे हुए कीबोर्ड का काम वी की मेयर ने संभाला हुआ था बास गिटार था स्टीफन ने दिया हुआ था प्रशिक्षण और रिदम का काम है वंकटेश पतवारी ने दिया हुआ था स्ट्रिंग सेक्शन में सारा स्प्रिंगल ने काम किया हुआ था सॉन्ग की मिक्सिंग विकी मेयर ने की, की हुई थी जो गाना था वो सुबह के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में सॉन्ग के मास्टरिंग वो कायल हॉलैंड के द्वारा यूएसए में करवाई गई थी तो ये कुछ दो गाने फिलहाल में रिलीज किए हुए हो सकते हैं आने वाले समय में कुछ और गाने वो डेफिनेटली रिलीज करवाए जाएंगे तो ये सभी गाने फिलहाल में आपको सारे गामा म्यूजिक और सारे गामा के ऊपर तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे वो भी बिल्कुल फ्री में अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत कर लेते थोड़ी बहुत तो फिल्म की ओरिजिनल जो शेड्यूल रिलीज डेट थी थिएट्रिकली वो थी आठ दिसंबर दो को बाद में फिल्म को रीड शेड्यूल किया गया था सोलह फरवरी दो के ऊपर लेकिन फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो डिले हो रहा था क्योंकि एक ए एक्शन थी जिसके लिए वे फिक्स का काम काफ़ी ज़्यादा चल रहा था उसके लिए फिल्म काफ़ी डिले हुई थी उसके चलते पोस्ट प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से इस फिल्म को बाद में कुछ ऐसे सरकमटेंसिस क्रिएट हुए जिसके चलते एक मार्च 2024 को रिलीज करने के लिए फिक्स किया गया अभी फिलहाल में इस फिल्म का टीजर दो गाने रिलीज़ हो चुके हैं ट्रेलर रिलीज हो चुका है सभी चीज़ें कंटेंट वाइज देखा जाए काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है और ये जो फिल्म है एक मार्च दो को थिएट्रिकली रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में अब देखते हैं कि ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या कै, इनिशियली डेज के ऊपर रिस्पॉन्स हासिल करती हैं तेलगु वर्जन डेफिनेटली वरुण तेज की जो फैन फॉलोइंग है उस हिसाब से डिसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ कलेक्शन करेगा हिंदी वर्जन प्योर डिपेंड करेगा फिल्म के वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर अगर वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव निकल के आता है तो तेलुगु में तीन दिनों के बाद वीकडेज में भी अच्छा कलेक्शन रहेगा और एक लंबा रन ले सकती है फिल्म और बढ़िया कलेक्शन कर सकती है हिंदी मार्केट में भी ये फिल्म अगर अच्छी रिस्पॉन्स हासिल की तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन कर सकती है अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ किस तरह से कैसे क्या रिस्पॉन्स रहता है अगर ये फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो डेफिनेटली तेलुगु हिंदी दोनों वर्जन में एक बढ़िया कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल का टेग माक हासिल कर सकती है इस फिल्म के जो ओ टी टी राइड्स है तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन के लिए वो खरीदे अमेजन प्राइम वीडियो ने वहीं पर इस फिल्म के हिंदी सेटेलाइट राइट्स से है वो सोनी मैक्स के पास है सोनी एंटरटेनमेंट के पास है इसका मतलब थिएट्रिकली रिलीज़ के कुछ दिनों के बाद पचास साठ दिनों के बाद ये फिल्म अमेज

इसके अलावा ये फिल्म आने वाले कुछ समय के बाद अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु और हिंदी दोनों वर्ज़न में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको ओ वर्जन के कुछ समय के बाद सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से ऑपरेशन वेलेंटाइन फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे ऑपरेशन वेलेंटाइन जो 2024 की इंडियन हिस्टोरिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है ये एक बाइलिंगल फिल्म है इस फिल्म को दो लैंग्वेजेस में बनाया गया है जहाँ पे एक है तेलुगु दूसरे हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में बारी बारी से इस फिल्म को सूट किया हुआ है तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रो प्योर वे में इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बनाया गया एक हिंदी फिल्म कह सकते हैं इसको इसके अलावा इस फिल्म में जो, जो जोनर है एक्शन थ्रिलर उसमें एक और चीज़ ऐड की हुई है ये एक फाइटर फिल्म जो आई हुई थी जिसमें एरियल एक्शन थ्रिलर देखने को मिला था जो इंडिया की पहली एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म थी तो ठीक उसी तरह इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ चीज़ें देखने को मिलती है ये भी एक एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म ही है जहाँ पे यहाँ पे भी आपको पेट्रोटिज़म और वो सभी चीज़ें देखने को मिलेगी आप देखते हैं कि वो सभी चीज़ों के साथ फिल्म में क्या सभी क्या चीज़ें हुई है अदरवाइज़ इस फिल्म में हम दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे शक्ति प्रताप सिंह हड्डा उनका एज ए डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू है जहाँ पे वो काफ़ी बड़ी फिल्म लेके आए हुए एज ए डायरेक्टर के तौर पे फिल्म के डायलॉग से वो तेलुगु वर्जन के लिए साए माधव बुर्रा ने लिखे हुए हिंदी वर्जन के लिए वैभव मिर्ज विशाल ने लिखे हुए स्क्रीन प्ले है वो शक्ति प्रताप सिंह हडा आमिर नाहिद खान और सिद्धार्थ राजकुमार ने लिखा हुआ है और डायरेक्शन शक्ति प्रताप सिंह हडा का ही देखने को मिलेगा इसके अलावा इस फिल्म को सोने पिक्चर्स और संदीप मुड्डा के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है जहाँ पे सोन सोनी पिक्चर्स और रीना इजेंस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक डिसेंट अच्छे खासे बजट के साथ बनाया गया है जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में वरुण तेज मानुषी चिल्लर नवदीप मीर सार जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो हरी के वेदांतम ने की हुई है एडिटिंग है वो नवीन नुल्ली ने की हुई है जिन्होंने इससे पहले जो जर्सी फिल्म आई थी 2019 की जहाँ पे नानी के साथ उन्होंने वो फिल्म में काम किया हुआ था वहाँ पर उस फिल्म में उन्होंने एज ए एडिटर के तौर पर नेशनल अवार्ड जीता हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें मिक्की जे मेयर के द्वारा इस फिल्म के गाने कंपोज किए गए बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया गया है जहाँ पे म्यूज़िक के राइट्स है वो सारे कमा वालों ने खरीदे हुए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें वरुण तेज लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे रुद्रा का उनका पूरा नाम है अर्जुन रुद्रा देव इसके अलावा इस फिल्म में मानुषी चिल्लर देखने को मिलती है सोनल के रोल में वरुण तेज और मानुषी चिल्लर एक दूसरे के साथ पहली बार काम करते हुए नज़र आए जहाँ पे मानुषी चिल्लर जिन्होंने इससे पहले पृथ्वीराज फिल्म में काम किया हुआ था सम्राट पृथ्वीराज फिल्म में तो उस फिल्म के बाद उन्होंने एक और हिंदी फिल्म थी की थी द ग्रेट इंडियन फैमिली 2023 में और ये पहली उनकी तेलुगु फिल्म है तेलुगु डेब्यू कहा जाएगा इसके बाद वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ में भी है और तेहरान फिल्म में भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी मानुसी चिल्लर इस फिल्म में सोनल का रोल प्ले करती हुई नजर आई है जहाँ पे इस फिल्म में नवदीप विंग कमांडर कबीर का रोल प्ले कर रहे रूहानी शर्मा जो तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है एज अ लीड एक्टर के तौर पर उन्होंने काफी सारी तेलुगु फिल्मों में काम किया हुआ है चीला सो फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था हिट द फर्स्ट केस डर्टी हरी नुतकुल्लो जिला दंगाडू और हर चैप्टर वन जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया फिलहाल में सेंधव फिल्म में भी वो नज़र आई हुई थी वेंकटेश दगुपती के अपोजिट इसके अलावा इस फिल्म में मीर सारववार भी एक इम्पोर्टेंट रोल दे, दे प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे इनके थ्रू फिल्म की कहानी को हमारे साथ दिखाया जाएगा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत दो में ही करवा दी गई थी स्टार्टिंग में जहाँ पे इस फिल्म का जो शूटिंग था वो दो लैंग्वेज में था तेलुगु और हिंदी जब इस फिल्म का तीसरा शेड्यूल चल रहा था तब क्रिएटर के द्वारा ऑफिशियल इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था थर्ड शेड्यूल था वो चौदह अगस्त दो हज़ार तेईस को थर्ड शेड्यूल के दौरान ऑपरेशन वेलेंटाइन नाम के साथ इस फिल्म को अनाउंस किया गया था उन्नीस तो अक्टूबर दो हज़ार तेईस को बताया गया था कि इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी ब्रेपअप हो चुकी है इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी पहले ही स्टार्ट करवा दी गई थी जहाँ पे इस फिल्म की जो एक शूटिंग की हुई थी उसका एक वीडियो बताया गया था शेयर किया गया था किस तरह से इस फिल्म को कैप्चर किया हुआ है पोस्टर और काफी स्टैंड आउट मोमेंट भी शेयर किए हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में 18 दिसंबर 2023 को सोनी पिक्चर प्रोडक्शन के द्वारा टीजर अनवील किया गया था ऑपरेशन वेलेंटाइन फर्स्ट स्ट्राइक के तौर पर उसके बाद में फरवरी 2024 को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया अब ये फिल्म आने वाले समय में रिलीज़ होने के लिए तैयार है जहाँ पे टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उससे पता चल रहा है कि फिल्म एक अच्छी खासी बनी होगी जो एक पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग चाहिए इसके अलावा एक्शन रिवेंज ड्रामा और जो एरियल एक्शन अभी फ़िलहाल में नया निकला हुआ है इंडियन इंडस्ट्री में तो फाइटर फिल्म के बाद एक बार फिर से इस फिल्म में वो सब वही सिमिलर थीम के साथ चीज़ें देखने को मिलेगी इस फिल्म में जो गाने हैं जहाँ पे एक गाना है वो जो वंदे मातरम वाला वो वाघा बॉर्डर के ऊपर रिलीज़ किया गया था पहला सॉन्ग वहाँ पे अनवील किया गया था साउंड ट्रैक बैकग्राउंड उसको जैसे मैंने कहा कि मिकी जे मेयर ने कंपोज़ किया हुआ है सारे गमा के द्वारा ऑडियो के राइट्स रिक्वायर एक्वायर किए गए थे जहाँ पे एक गाना है गगन नाला जिसके ऊपर बातचीत करें तो उस गाने को सारे वालों ने रिलीज करवाया हुआ था छः फरवरी दो को तो वो गाना था उसको गाया हुआ है अरमान मलिक ने राम जोगिया शास्त्री ने लिखा हुआ है और मिकी जेयर के मेयर के द्वारा म्यूज़िक दिया गया है इसके अलावा एक गाना आपको और सुनने को मिला होगा अभी फिलहाल में जिसका नाम है वंदे मातरम जो पहला सिंगल था फिल्म का तो उसको वाह बॉर्डर के ऊपर जो रिलीज़ किया गया तो उस गाने के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ तो उस गाने को करीबन करीबन 17 जनवरी दो हजार चौबीस को रिलीज़ किया गया था ऑफिशियली फर्स्ट सिंगल के तौर पे जहाँ पे इस गाने को गाया हुआ है कुणाल कुंदू ने कोरस था वो रमिया बेहरा जी मिकी जय मेयर और कृष्णा तेजस्वी ने दिए हुए लिरिक्स थे वो सारस्वती पुत्र और रामजोग्य शास्त्री ने लिखे हुए कीबोर्ड का काम कीजिए मेयर ने संभाला हुआ था बास गिटार था स्टीफन ने दिया हुआ था प्रशिक्षण और रिदम का काम है वंकटेश पतवारी ने दिया हुआ था स्ट्रिंग सेक्शन में सारा स्प्रिंगल ने काम किया हुआ था सॉन्ग की मिक्सिंग भी कीजिए मेयर ने की हुई थी जो गाना था वो सुबह के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में सॉन्ग के मास्टरिंग वो कायल हॉलैंड के द्वारा यूएसए में करवाई गई थी तो ये कुछ दो गाने फिलहाल में रिलीज़ किए हुए हो सकते हैं आने वाले समय में कुछ और गाने वो डेफिनेटली रिलीज़ करवाए जाएंगे तो ये सभी गाने फिलहाल में आपको सारे गामा म्यूजिक और सारे गामा के ऊपर तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे वो भी बिल्कुल फ्री में अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत कर लेते हैं थोड़ी बहुत तो फिल्म की ओरिजिनल जो शेड्यूल रिलीज डेट थी थिएट्रिकली वो थी आठ दिसंबर 2023 को बाद में फिल्म को रीड शेड्यूल किया गया था 16 फरवरी 2024 के ऊपर लेकिन फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो डिले हो रहा था क्योंकि एक एरियल एक्शन थी जिसके लिए वे वेफ एक्स का काम काफ़ी ज़्यादा चल रहा था उसके लिए फिल्म काफ़ी डिले हुई थी उसके चलते पोस्ट प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से इस फिल्म को बाद में जहा कुछ ऐसे सरकमटेंसीज क्रिएट हुए जिसके चलते एक मार्च दो को रिलीज करने के लिए फिक्स किया गया अभी फिलहाल में इस फिल्म का टीजर दो गाने रिलीज हो चुके हैं ट्रेलर रिलीज हो चुका है सभी चीज़ें कंटेंट वाइज देखा जाए काफ़ी बढ़िया नजर आ रही है और ये जो फिल्म है एक मार्च दो हज़ार चौबीस को थिएट्रिकली रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में अब देखते हैं कि ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या कै? इनिशियली डेज के ऊपर रिस्पॉन्स हासिल करती है तेलुगु वर्जन डेफिनेटली वरुण तेज की जो फैन फॉलोइंग है उस हिसाब से डिसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ कलेक्शन करेगा हिंदी वर्जन प्योर डिपेंड करेगा फिल्म के वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर अगर वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव निकल के आता है तो तेलुगु में तीन दिनों के बाद डेज में भी अच्छा कलेक्शन रहेगा और एक लंबा रन ले सकती है फिल्म और बढ़िया कलेक्शन कर सकती है हिंदी मार्केट में भी ये फिल्म अगर अच्छी रिस्पॉन्स हासिल की तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन कर सकती है अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ किस तरह से कैसे क्या रिस्पांस रहता है अगर ये फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो डेफिनेटली तेलुगु हिंदी दोनों वर्जन में एक बढ़िया कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल का टेगमाक हासिल कर सकती है इस फिल्म के जो ओ टी टी है तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन के लिए वो खरीदे अमेजोन प्राइम वीडियो ने वहीं पर इस फिल्म के हिंदी सेटेलाइट राइट्स से है वो सोनी मैक्स के पास है सोनी एंटरटेनमेंट के पास है इसका मतलब थिएट्रिकली रिलीज़ के कुछ दिनों के बाद पचास साठ दिनों के बाद ये फिल्म

इसके अलावा ये फिल्म आने वाले कुछ समय के बाद अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर तेलगू और हिंदी दोनों वर्ज़न में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको ओ वर्जन के कुछ समय के बाद सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो इस तरह से ऑपरेशन वेलेंटाइन फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे ऑपरेशन वेलेंटाइन जो 2024 की इंडियन हिस्टोरिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है ये एक बाइलिंगल फिल्म है इस फिल्म को दो लैंग्वेजेस में बनाया गया है जहाँ पे एक है तेलुगु दूसरे हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में बारी बारी से इस फिल्म को शूट किया हुआ है तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रो प्योर वे में इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बनाया गया एक हिंदी फिल्म कह सकते हैं इसको इसके अलावा इस फिल्म में जो, जो जोनर है एक्शन थ्रिलर उसमें एक और चीज़ ऐड की हुई है ये एक फ़ाइटर फिल्म जो आई हुई थी जिसमें एरियल एक्शन थ्रिलर देखने को मिला था जो इंडिया की पहली एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म थी तो ठीक उसी तरह इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ चीज़ें देखने को मिलती है ये भी एक एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म ही है जहाँ पे यहाँ पे भी आपको पेट्रोटिज़म और वो सभी चीज़ें देखने को मिलेगी तो आप देखते हैं कि वो सभी चीज़ों के साथ फिल्म में क्या सभी क्या चीज़ें हुई है अदरवाइज इस फिल्म में हम दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे शक्ति प्रताप सिंह हड्डा उनका एज ए डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू है जहाँ पे वो काफ़ी बड़ी फिल्म लेके आए हुए एज ए डायरेक्टर के तौर पे फिल्म के डायलॉग्स से वो तेलुगु वर्जन के लिए साए माधव बुर्रा ने लिखे हुए हिंदी वर्जन के लिए वैभव मिजे विशाल ने लिखे हुए स्क्रीन प्ले है वो शक्ति प्रताप सिंह हडा आमिर नाहिद खान और सिद्धार्थ राजकुमार ने लिखा हुआ है और डायरेक्शन शक्ति प्रताप सिंह हडा का ही देखने को मिलेगा इसके अलावा इस फिल्म को सोने पिक्चर्स और संदीप मुड्डा के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है जहाँ पे सोन सोनी पिक्चर्स और रीना इजेंस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक डिसेंट अच्छे खासे बजट के साथ बनाया गया है जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में वरुण तेज मानुषी चिल्लर नवदीप मीर सार जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो हरी के वेदांतम ने की हुई है एडिटिंग है वो नवीन नुल्ली ने की हुई है जिन्होंने इससे पहले जो जर्सी फिल्म आई थी 2019 की जहां पे नानी के साथ उन्होंने वो फिल्म में काम किया हुआ था वहां पे उस फिल्म में उन्होंने एज ए एडिटर के तौर पे नेशनल अवार्ड जीता हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें मिक्की जे मेयर के द्वारा इस फिल्म के गाने कंपोज किए गए बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया गया है जहां पे म्यूजिक के राइट्स है वो सारे कमा वालों ने खरीदे हुए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें वरुण तेज लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे रुद्रा का उनका पूरा नाम है अर्जुन रुद्रा देव इसके अलावा इस फिल्म में मानुषी चिल्लर देखने को मिलती है सोनल के रोल में वरुण तेज और मानुषी चिल्लर एक दूसरे के साथ पहली बार काम करते हुए नजर आए जहाँ पे मानुषी चिल्लर जिन्होंने इससे पहले पृथ्वीराज फिल्म में काम किया हुआ था सम्राट पृथ्वीराज फिल्म में तो उस फिल्म के बाद उन्होंने एक और हिंदी फिल्म थी, की थी द ग्रेट इंडियन फैमिली दो हज़ार तेईस में और ये पहली उनकी तेलुगु फिल्म है तेलुगु डेब्यू कहा जाएगा इसके बाद वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ में भी है और तेहरान फिल्म में भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी मानुषी सी चिल्लर इस फिल्म में सोनल का रोल प्ले करती हुई नज़र आई है जहाँ पे इस फिल्म में नवदीप विंग कमांडर कबीर का रोल प्ले कर रहे हैं रूहानी शर्मा जो तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है एज अ लीड एक्टर के तौर पर उन्होंने काफ़ी सारी तेलुगु फिल्मों में काम किया हुआ है चीला सो फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था हिट द फर्स्ट केस डर्टी हरी नुतकुल्लो जिला दंगाडू और हर चैप्टर वन जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया हुआ फिलहाल में सेंधव फिल्म में भी वो नज़र आई हुई थी वेंकटेश दगुपती के अपोजिट इसके अलावा इस फिल्म मीर सारवार भी एक इम्पोर्टेंट रोल दे, दे प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे इनके थ्रू फिल्म की कहानी को हमारे साथ दिखाया जाएगा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत 2023 में ही करवा दी गई थी स्टार्टिंग में जहाँ पे इस फिल्म का जो शूटिंग था वो दो लैंग्वेज में था तेलुगु और हिंदी जब इस फिल्म का तीसरा शेड्यूल चल रहा था तब क्रिएटर के द्वारा ऑफिशियल इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था थर्ड शेड्यूल था वो चौदह अगस्त दो हजार तेईस को थर्ड शेड्यूल के दौरान ऑपरेशन वेलेंटाइन नाम के साथ इस फिल्म को अनाउंस किया गया था 19 अक्टूबर 2023 को बताया गया था कि इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी ब्रेप अप हो चुकी है इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी पहले ही स्टार्ट करवा दी गई थी जहाँ पे इस फिल्म की जो एक शूटिंग की हुई थी उसका एक वीडियो बताया गया था शेयर किया गया था किस तरह से इस फिल्म को कैप्चर किया हुआ है पोस्टर और काफ़ी स्टैंड आउट मोमेंट भी शेयर किए हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में अट्ठारह दिसंबर दो को सोनी पिक्चर प्रोडक्शन के द्वारा टीजर अनवील किया गया था ऑपरेशन वेलेंटाइन फर्स्ट ट्राइक के तौर पे उसके बाद में फरवरी 2024 को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया अब ये फिल्म आने वाले समय में रिलीज होने के लिए तैयार है जहाँ पे टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उससे पता चल रहा है कि फिल्म एक अच्छी खासी बनी होगी जो एक पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग चाहिए इसके अलावा एक्शन रिवेंज ड्रामा और जो एरियल एक्शन अभी फ़िलहाल में नया निकला हुआ है इंडियन इंडस्ट्री में तो फाइटर फिल्म के बाद एक बार फिर से इस फिल्म में वह सब वही सिमिलर थीम के साथ चीज़ें देखने को मिलेगी इस फिल्म में जो गाने जहाँ पे एक गाना है वो जो वंदे मातरम वाला वो वाघा बॉर्डर के ऊपर रिलीज़ किया गया था पहला सॉन्ग वहाँ पे अनवील किया गया था साउंड ट्रैक बैकग्राउंड जैसे मैंने कहा कि मिकी जे मेयर ने कंपोज किया हुआ है सारे गा के द्वारा ऑडियो के राइट्स एक्वायर किए गए थे जहाँ पे एक गाना है गगन नाला जिसके ऊपर बातचीत करें तो उस गाने को सारे गमा वालों ने रिलीज करवाया हुआ था 6 फरवरी 2024 को तो वो गाना था उसको गाया हुआ है अरमान मलिक ने राम जोगे शास्त्री ने लिखा हुआ है और मिकी जेयर के मेयर के द्वारा म्यूज़िक दिया गया है इसके अलावा एक गाना आपको और सुनने को मिला होगा अभी फिलहाल में जिसका नाम है वंदे मातरम जो पहला सिंगल था फिल्म का तो उसको का बॉर्डर के ऊपर जो रिलीज़ किया गया तो उस गाने के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ तो उस गाने को करीबन करीबन सत्रह जनवरी दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया था ऑफिशियल फर्स्ट सिंगल के तौर पे जहाँ पे इस गाने को गाया हुआ है कुणाल कुंदू ने कोरस था वो रमिया बेहरा जी मिकी जय मेयर और कृष्णा तेजस्वी ने दिए हुए लिरिक्स थे वो सारस्वती पुत्र और रामजोग्य शास्त्री ने लिखे हुए कीबोर्ड का काम मिखी मेयर ने संभाला हुआ था बास गिटा था स्टीफन ने दिया हुआ था प्रशिक्षण और रिदम का काम है वंकटेश पतवारी ने दिया हुआ था स्ट्रिंग सेक्शन में सारा स्प्रिंगल ने काम किया हुआ था सॉन्ग की मिक्सिंग मिकी जय मेयर ने की हुई थी जो गाना था वो सुबह के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में सॉन्ग के मास्टरिंग वो कायल हॉलैंड के द्वारा यूएसए में करवाई गई थी तो ये कुछ दो गाने फिलहाल में रिलीज किए हुए हो सकते हैं आने वाले समय में कुछ और गाने वो डेफिनेटली रिलीज करवाए जाएंगे तो ये सभी गाने फिलहाल में आपको सारे गामा म्यूजिक और सारे गामा तेलुगू के ऊपर तेलुगू और हिंदी दोनों वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे वो भी बिल्कुल फ्री में अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत कर लेते हैं थोड़ी बहुत तो फिल्म की ओरिजिनल जो शेड्यूल रिलीज डेट थी थिएट्रिकली वो थी 8 दिसंबर 2023 को बाद में फिल्म को रीड शेड्यूल किया गया था 16 फरवरी 2024 के ऊपर लेकिन फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो डिले हो रहा था क्योंकि एक ए रियल एक्शन थी जिसके लिए वे फिक्स का काम काफ़ी ज़्यादा चल रहा था उसके लिए फिल्म काफ़ी डिले हुई थी उसके चलते पोस्ट प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से इस फिल्म को बाद में जहाँ कुछ ऐसे सरकमटेंसीज क्रिएट हुए जिसके चलते एक मार्च 2024 को रिलीज़ करने के लिए फिक्स किया गया अभी फिलहाल में इस फिल्म का टीजर दो गाने रिलीज़ हो चुके हैं ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है सभी चीज़ें कंटेंट वाइज देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है और ये जो फिल्म है एक मार्च 2024 को थिएट्रिकली रिलीज़ होती हुई नजर आएगी तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में अब देखते हैं कि ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या कै, इनिशियली डेज के ऊपर रिस्पॉन्स हासिल करती है तेलुगू वर्जन डेफिनेटली वरुण तेज की जो फैन फॉलोइंग है उस हिसाब से डिसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ कलेक्शन करेगा हिंदी वर्जन प्योर डिपेंड करेगा फिल्म के वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर अगर वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव निकल के आता है तो तेलुगू में तीन दिनों के बाद विग डेज में भी अच्छा कलेक्शन रहेगा और एक लंबा रन ले सकती है फिल्म और बढ़िया कलेक्शन कर सकती है हिंदी मार्केट में भी ये फिल्म अगर अच्छी रिस्पॉन्स हासिल की तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन कर सकती है अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ किस तरह से कैसे क्या रिस्पॉन्स रहता है अगर ये फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो डेफिनेटली तेलुगु हिंदी दोनों वर्ज़न में एक बढ़िया कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल का मार्क हासिल कर सकती है इस फिल्म के जो ओ टी टी है तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन के लिए वो खरीदे अमेजन प्राइम वीडियो ने वहीं पर इस फिल्म के हिंदी सेटेलाइट राइट्स से है वो सोनी मैक्स के पास है सोनी एंटरटेनमेंट के पास है इसका मतलब थिएट्रिकली रिलीज़ के कुछ दिनों के बाद पचास साठ दिनों के बाद ये फिल्म अमेज

इसके अलावा ये फिल्म आने वाले कुछ समय के बाद अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर तेलगू और हिंदी दोनों वर्ज़न में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको ओ वर्जन के कुछ समय के बाद सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो इस तरह से ऑपरेशन वेलेंटाइन फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे ऑपरेशन वेलेंटाइन जो 2024 की इंडियन हिस्टोरिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है ये एक बाइलिंगल फिल्म है इस फिल्म को दो लैंग्वेजेस में बनाया गया है जहाँ पे एक है तेलुगु दूसरे हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में बारी बारी से इस फिल्म को सूट किया हुआ है तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रोप्योर वे में इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बनाया गया एक हिंदी फिल्म कह सकते हैं इसको इसके अलावा इस फिल्म में जो जोनर है एक्शन थ्रिलर उसमें एक और चीज़ ऐड की हुई है ये एक फाइटर फिल्म जो आई हुई थी जिसमें एरियल एक्शन थ्रिलर देखने को मिला था जो इंडिया की पहली एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म थी तो ठीक उसी तरह इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ चीज़ें देखने को मिलती है ये भी एक एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म ही है जहाँ पे यहाँ पे भी आपको पेट्रोटिज़म और वो सभी चीज़ें देखने को मिलेगी तो आप देखते हैं कि वो सभी चीज़ों के साथ फिल्म में क्या सभी क्या चीज़ें हुई है अदरवाइज़ इस फिल्म में हम दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे शक्ति प्रताप सिंह हड्डा उनका एज ए डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू है जहाँ पे वो काफ़ी बड़ी फिल्म लेके आए हुए एज ए डायरेक्टर के तौर पे फिल्म के डायलॉग्स से वो तेलुगु वर्जन के लिए साए माधव बुर्रा ने लिखे हुए हिंदी वर्जन के लिए वैभव मिर्ज विशाल ने लिखे हुए स्क्रीन प्ले है वो शक्ति प्रताप सिंह हडा आमिर नाहिद खान और सिद्धार्थ राजकुमार ने लिखा हुआ है और डायरेक्शन शक्ति प्रताप सिंह हडा का ही देखने को मिलेगा इसके अलावा इस फिल्म को सोने पिक्चर्स और संदीप मुड्डा के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है जहाँ पे सोन सोनी पिक्चर्स और रीना इजेंस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक डिसेंट अच्छे खासे बजट के साथ बनाया गया है जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में वरुण तेज मानुषी चिल्लर नवदीप मीर सार जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो हरी के वेदांतम ने की हुई है एडिटिंग है वो नवीन नुल्ली ने की हुई है जिन्होंने इससे पहले जो जर्सी फिल्म आई थी 2019 की जहाँ पे नानी के साथ उन्होंने वो फिल्म में काम किया हुआ था वहां पे उस फिल्म में उन्होंने एज ए एडिटर के तौर पे नेशनल अवार्ड जीता हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें मिक्की जे मेयर के द्वारा इस फिल्म के गाने कंपोज किए गए बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया गया है जहां पे म्यूजिक के राइट्स है वो सारे कमा वालों ने खरीदे हुए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें वरुण तेज लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे रुद्रा का उनका पूरा नाम है अर्जुन रुद्रा देव इसके अलावा इस फिल्म में मानुषी चिल्लर देखने को मिलती है सोनल के रोल में वरुण तेज और मानुषी चिल्लर एक दूसरे के साथ पहली बार काम करते हुए नज़र आए जहाँ पे मानुषी चिल्लर जिन्होंने इससे पहले पृथ्वीराज फिल्म में काम किया हुआ था सम्राट पृथ्वीराज फिल्म में तो उस फिल्म के बाद उन्होंने एक और हिंदी फिल्म थी, की थी द ग्रेट इंडियन फैमिली 2023 में और ये पहली उनकी तेलुगु फिल्म है तेलुगु डेब्यू कहा जाएगा इसके बाद वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ में भी है और तेहरान फिल्म में भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी मानुषी चिल्लर इस फिल्म में सोनल का रोल प्ले करती हुई नज़र आई है जहाँ पे इस फिल्म में नवदीप विंग कमांडर कबीर का रोल प्ले कर रहे रूहानी शर्मा जो तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है एज अ लीड एक्टर के तौर पे उन्होंने काफ़ी सारी तेलुगु फिल्मों में काम किया हुआ है चीला सो फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था हिट द फर्स्ट केस डर्टी हरी नुतकुल्लो जिला दंगाडू और हर चैप्टर वन जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया हुआ है फिलहाल में सेंधव फिल्म में भी वो नज़र आई हुई थी वेंकटेश दगुपती के अपोजिट इसके अलावा इस फिल्म में मीर सारवार भी एक इम्पोर्टेंट रोल दे, दे प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे इनके थ्रू फिल्म की कहानी को हमारे साथ दिखाया जाएगा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत दो में ही करवा दी गई थी स्टार्टिंग में जहाँ पे इस फिल्म का जो शूटिंग था वो दो लैंग्वेज में था तेलुगु और हिंदी जब इस फिल्म का तीसरा शेड्यूल चल रहा था तब क्रिएटर के द्वारा ऑफिशियल इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था थर्ड शेड्यूल था वो चौदह अगस्त दो हज़ार तेईस को थर्ड शेड्यूल के दौरान ऑपरेशन वैलेंटाइन नाम के साथ इस फिल्म को अनाउंस किया गया था उन्नीस अक्टूबर 2023 को बताया गया था कि इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी ब्रेपअप हो फो चुकी है इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी पहले ही स्टार्ट करवा दी गई थी जहाँ पे इस फिल्म की जो एक शूटिंग की हुई थी उसका एक वीडियो बताया गया था शेयर किया गया था किस तरह से इस फिल्म को कैप्चर किया हुआ है पोस्टर और काफ़ी स्टैंड आउट मोमेंट भी शेयर किए हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में अट्ठारह दिसंबर दो को सोनी पिक्चर प्रोडक्शन के द्वारा टीज़र अनवील किया गया था ऑपरेशन वेलेंटाइन फर्स्ट स्ट्राइक के तौर पे उसके बाद में फरवरी 2024 को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया अब ये फिल्म आने वाले समय में रिलीज़ होने के लिए तैयार है जहाँ पे टीज़र ट्रेलर जो आउट हुआ है उससे पता चल रहा है कि फिल्म एक अच्छी खासी बनी होगी जो एक पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग चाहिए इसके अलावा एक्शन रिवेंज ड्रामा और जो एरियल एक्शन अभी फिलहाल में नया निकला हुआ इंडियन इंडस्ट्री में तो फाइटर फिल्म के बाद एक बार फिर से इस फिल्म में वह सब वही फिर सिमिलर थीम के साथ चीज़ें देखने को मिलेगी इस फिल्म में जो गाने जहाँ पे एक गाना है वो जो वंदे मातरम वाला वो वाघा बॉर्डर के ऊपर रिलीज किया गया था पहला सॉन्ग वहाँ पे अनवील किया गया था साउंड ट्रैक बैकग्राउंड को जैसे मैंने कहा मैकि जे मेयर ने कंपोज किया हुआ है सारे गमा के द्वारा ऑडियो के राइट्स एक्वायर किए गए थे जहाँ पे एक गाना है गगन नाला जिसके ऊपर बातचीत करें तो उस गाने को सारे गमा वालों ने रिलीज करवाया हुआ था छः फरवरी 2024 को तो वो गाना था उसको गाया हुआ है अरमान मलिक ने राम जोगिया शास्त्री ने लिखा हुआ है और मिकी जेयर के मेयर के द्वारा म्यूज़िक दिया गया है इसके अलावा एक गाना आपको और सुनने को मिला होगा अभी फिलहाल में जिसका नाम है वंदे मातरम जो पहला सिंगल था फिल्म का तो उसको वाह बॉर्डर के ऊपर जो रिलीज़ किया गया था उस गाने के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ तो उस गाने को करीबन करीबन 17 जनवरी दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया था ऑफिशियली फर्स्ट सिंगल के तौर पे जहाँ पे इस गाने को गाया हुआ है कुणाल कुंदू ने कोरस था वो रमिया बेहरा जी मिकी जय मेयर और कृष्णा तेजस्वी ने दिए हुए लिरिक्स थे वो सारस्वती पुत्र और रामजोग्य शास्त्री ने लिखे हुए कीबोर्ड का काम विकी मेयर ने संभाला हुआ था बास गिटार था स्टीफन ने दिया हुआ था प्रशिक्षण और रिदम का काम है वंकटेश पतवारी ने दिया हुआ था स्ट्रिंग सेक्शन में सारा स्प्रिंगल ने काम किया हुआ था सॉन्ग की मिक्सिंग मिकी जय मेयर ने की हुई थी जो गाना था वो सुबह के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में सॉन्ग के मास्टरिंग वो कायल हॉलैंड के द्वारा यूएसए में करवाई गई थी तो ये कुछ दो गाने फिलहाल में रिलीज़ किए हुए हो सकते हैं आने वाले समय में कुछ और गाने हो वो डेफिनेटली रिलीज करवाए जाएंगे तो ये सभी गाने फिलहाल में आपको सारे गामा म्यूजिक और सारे गामा के ऊपर तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे वो भी बिल्कुल फ्री में अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत कर लेते थे थोड़ी बहुत तो फिल्म की ओरिजिनल जो शेड्यूल रिलीज डेट थी थिएट्रिकली वो थी आठ दिसंबर 2023 को बाद में फिल्म को रीड शेड्यूल किया गया था सोलह फरवरी दो के ऊपर लेकिन फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो डिले हो रहा था क्योंकि एक एरियल एक्शन थी जिसके लिए वे फिक्स जी का काम काफ़ी ज़्यादा चल रहा था उसके लिए फिल्म काफ़ी डिले हुई थी उसके चलते पोस्ट प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से इस फिल्म को बाद में कुछ ऐसे सरकमटेंसीज क्रिएट हुए जिसके चलते एक मार्च 2024 को रिलीज करने के लिए फिक्स किया गया अभी फिलहाल में इस फिल्म का टीजर दो गाने रिलीज हो चुके हैं ट्रेलर रिलीज हो चुका है सभी चीज़ें कंटेंट वाइज देखा जाए काफ़ी बढ़िया नजर आ रही है और ये जो फिल्म है एक मार्च दो हजार चौबीस को थिएट्रिकली रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में अब देखते हैं कि ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या कै, इनिशियली डेज के ऊपर रिस्पॉन्स हासिल करती है तेलुगु वर्जन डेफिनेटली वरुण तेज की जो फैन फॉलोइंग है उस हिसाब से डिसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ कलेक्शन करेगा हिंदी वर्जन प्योर डिपेंड करेगा फिल्म के वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर अगर वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव निकल के आता है तो तेलगु में तीन दिनों के बाद वीक डेज में भी अच्छा कलेक्शन रहेगा और एक लंबा रन ले सकती है फिल्म और बढ़िया कलेक्शन कर सकती है हिंदी मार्केट में भी ये फिल्म अगर अच्छी रिस्पॉन्स हासिल की तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन कर सकती है अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ किस तरह से कैसे क्या रिस्पांस रहता है अगर ये फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो डेफिनेटली तेलुगु हिंदी दोनों वर्जन में एक बढ़िया कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल का टेग मार्क हासिल कर सकती है इस फिल्म के जो ओ टी टी राइड्स है तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन के लिए वो खरीदे अमेजोन प्राइम वीडियो ने वहीं पर इस फिल्म के हिंदी सेटेलाइट राइट्स से है वो सोनी मैक्स के पास है सोनी एंटरटेनमेंट के पास है इसका मतलब थिएट्रिकली रिलीज़ के कुछ दिनों के बाद पचास साठ दिनों के बाद ये फिल्म

इसके अलावा ये फिल्म आने वाले कुछ समय के बाद अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको ओ वर्जन के कुछ समय के बाद सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से ऑपरेशन वेलेंटाइन फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे ऑपरेशन वेलेंटाइन जो 2024 की इंडियन हिस्टोरिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है ये एक बाइलिंगल फिल्म है इस फिल्म को दो लैंग्वेजेस में बनाया गया है जहाँ पे एक है तेलुगु दूसरे हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में बारी बारी से इस फिल्म को सूट किया हुआ है तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रो प्योर वे में इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बनाया गया तो एक हिंदी फिल्म कह सकते हैं इसको इसके अलावा इस फिल्म में जो, जो जोनर है एक्शन थ्रिलर उसमें एक और चीज़ ऐड की हुई है ये एक फाइटर फिल्म जो आई हुई थी जिसमें एरियल एक्शन थ्रिलर देखने को मिला था जो इंडिया की पहली एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म थी तो ठीक उसी तरह इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ चीज़ें देखने को मिलती है ये भी एक एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म ही है जहाँ पे यहाँ पे भी आपको पेट्रोटिज़म और वो सभी चीज़ें देखने को मिलेगी आप देखते हैं कि वो सभी चीज़ों के साथ फिल्म में क्या सभी क्या चीज़ें हुई है अदरवाइज इस फिल्म में हम दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे शक्ति प्रताप सिंह हड्डा उनका एज ए डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू है जहाँ पे वो काफ़ी बड़ी फिल्म लेके आए हुए एज ए डायरेक्टर के तौर पे फिल्म के डायलॉग्स से वो तेलुगु वर्जन के लिए साए माधव बुर्रा ने लिखे हुए हिंदी वर्जन के लिए वैभव मिजे विशाल ने लिखे हुए स्क्रीन प्ले है वो शक्ति प्रताप सिंह हडा आमिर नाहिद खान और सिद्धार्थ राजकुमार ने लिखा हुआ है और डायरेक्शन शक्ति प्रताप सिंह हडा का ही देखने को मिलेगा इसके अलावा इस फिल्म को सोने पिक्चर्स और संदीप मुड्डा के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है जहाँ पे सोनी सोनी पिक्चर्स और रीनाइजेंस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक डिसेंट अच्छे खासे बजट के साथ बनाया गया है जहां पे इस फिल्म की कास्टिंग में वरुण तेज मानुषी चिल्लर नवदीप मीर जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो हरी के वेदांतम ने की हुई है एडिटिंग है वो नवीन नुल्ली ने की हुई है जिन्होंने इससे पहले जो जर्सी फिल्म आई थी 2019 की जहां पे नानी के साथ उन्होंने वो फिल्म में काम किया हुआ था वहां पे उस फिल्म में उन्होंने एज ए एडिटर के तौर पे नेशनल अवार्ड जीता हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें मिक्की जे मेयर के द्वारा इस फिल्म के गाने कंपोज किए गए बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया गया है जहां पे म्यूजिक के राइट्स है वो सारे कमा वालों ने खरीदे हुए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें वरुण तेज लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे रुद्रा का उनका पूरा नाम है अर्जुन रुद्रा देव इसके अलावा इस फिल्म में मानुषी चिल्लर देखने को मिलती है सोनल के रोल में वरुण तेज और मानुषी चिल्लर एक दूसरे के साथ पहली बार काम करते हुए नजर आए जहाँ पे मानुषी चिल्लर जिन्होंने इससे पहले पृथ्वीराज फिल्म में काम किया हुआ था सम्राट पृथ्वीराज फिल्म में तो उस फिल्म के बाद उन्होंने एक और हिंदी फिल्म थी, की थी द ग्रेट इंडियन फैमिली दो में और ये पहली उनकी तेलुगु फिल्म है तेलुगु डेब्यू कहा जाएगा इसके बाद वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ में भी है और तेहरान फिल्म में भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी मानु सी चिल्लर इस फिल्म में सोनल का रोल प्ले करती हुई नज़र आई है जहाँ पे इस फिल्म में नवदीप विंग कमांडर कबीर का रोल प्ले कर रहे रूहानी शर्मा जो तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है एज अ लीड एक्टर के तौर पे उन्होंने काफ़ी सारी तेलुगु फिल्मों में काम किया हुआ है चीला सो फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था हिट द फर्स्ट केस डर्टी हरी नुतकुल्लो जिला दंगाडू और हर चैप्टर वन जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया हुआ है फिलहाल में सेंधव फिल्म में भी वो नज़र आई हुई थी वेंकटेश दगुपति के अपोजिट इसके अलावा इस फिल्म मेर सारवार भी एक इंपॉर्टेंट रोल दे, दे प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे इनके थ्रू फिल्म की कहानी को हमारे साथ दिखाया जाएगा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत दो में ही करवा दी गई थी स्टार्टिंग में जहाँ पे इस फिल्म का जो शूटिंग था वो दो लैंग्वेजेस में था तेलुगु और हिंदी जब इस फिल्म का तीसरा शेड्यूल चल रहा था तब क्रिएटर के द्वारा ऑफिशियल इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था थर्ड शेड्यूल था वो चौदह अगस्त दो हज़ार तेईस को थर्ड शेड्यूल के दौरान ऑपरेशन वेलेंटाइन नाम के साथ इस फिल्म को अनाउंस किया गया था 19 अक्टूबर 2023 को बताया गया था कि इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी ब्रेपअप हो फो चुकी है इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी पहले ही स्टार्ट करवा दी गई थी जहां पे इस फिल्म की जो एक शूटिंग की हुई थी उसका एक वीडियो बताया गया था शेयर किया गया था किस तरह से इस फिल्म को कैप्चर किया हुआ है पोस्टर और काफ़ी स्टैंड आउट मोमेंट भी शेयर किए हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में अट्ठारह दिसंबर दो को सोनी पिक्चर प्रोडक्शन के द्वारा टीजर अनवील किया गया था ऑपरेशन वेलेंटाइन फर्स्ट स्ट्राइक के तौर पे उसके बाद में फरवरी 2024 को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया अब ये फिल्म आने वाले समय में रिलीज होने के लिए तैयार है जहाँ पे टीज़र ट्रेलर जो आउट हुआ है उससे पता चल रहा है कि फिल्म एक अच्छी खासी बनी होगी जो एक पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग चाहिए इसके अलावा एक्शन रिवेंज ड्रामा और जो एरियल एक्शन अभी फिलहाल में नया निकला हुआ है इंडियन इंडस्ट्री में तो फाइटर फिल्म के बाद एक बार फिर से इस फिल्म में वह वही सिमिलर फिर सिमिलर थीम के साथ चीज़ें देखने को मिलेगी इस फिल्म में जो गाने हैं जहाँ पे एक गाना है वो जो वंदे मातरम वाला वो वाघा बॉर्डर के ऊपर रिलीज किया गया था पहला सॉन्ग वहाँ पे अनवील किया गया था साउंड ट्रैक बैकग्राउंड उसको जैसे मैंने कहा कि मिकी जे मेयर ने कंपोज किया हुआ है सारे गाँ के द्वारा ऑडियो के राइट्स रिक्वायर एक्वायर किए गए थे जहाँ पे एक गाना है गगन नाला जिसके ऊपर बातचीत करें तो उस गाने को सारे गाँ वालों ने रिलीज करवाया हुआ था 6 फरवरी 2024 को तो वो गाना था उसको गाया हुआ अरमान मलिक ने राम शास्त्री ने लिखा हुआ है और मिकी जेयर के मेयर के द्वारा म्यूज़िक दिया गया है इसके अलावा एक गाना आपको और सुनने को मिला होगा अभी फिलहाल में जिसका नाम है वंदे मातरम जो पहला सिंगल था फिल्म का तो उसको वाहका बॉर्डर के ऊपर जो रिलीज़ किया गया था उस गाने के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ तो उस गाने को करीबन करीबन सत्रह जनवरी 2024 को रिलीज़ किया गया था ऑफिशियली फर्स्ट सिंगल के तौर पे जहाँ पे इस गाने को गाया हुआ है कुणाल कुंदू ने कोरस था वो रमिया बेहरा जी मिकी मेयर और कृष्णा तेजस्वी ने दिए हुए लिरिक्स थे वो सारस्वती पुत्र और रामजोग्य शास्त्री ने लिखे हुए कीबोर्ड का काम विखी जय मेयर ने संभाला हुआ था बास गिटार था स्टीफन ने दिया हुआ था प्री शिक्षण और रिदम का काम है वंकटेश पतवारी ने दिया हुआ था स्ट्रिंग सेक्शन में सारा स्प्रिंगल ने काम किया हुआ था सॉन्ग की मिक्सिंग मिखी कीजिए मेयर ने की, की हुई थी जो गाना था वो सुबह के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में सॉन्ग के मास्टरिंग वो कायल हॉलैंड के द्वारा यूएसए में करवाई गई थी तो ये कुछ दो गाने फिलहाल में रिलीज किए हुए हो सकते हैं आने वाले समय में कुछ और गाने वो डेफिनेटली रिलीज़ करवाए जाएंगे तो ये सभी गाने फिलहाल में आपको सारे गामा म्यूजिक और सारे गामा के ऊपर तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे वो भी बिल्कुल फ्री में अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत कर लेते हैं थोड़ी बहुत तो फिल्म की ओरिजिनल जो शेड्यूल रिलीज डेट थी थिएट्रिकली वो थी 8 दिसंबर 2023 को बाद में फिल्म को रीड शेड्यूल किया गया था 16 फरवरी 2024 के ऊपर लेकिन फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो डिले हो रहा था क्योंकि एक ए रियल एक्शन थी जिसके लिए वे फिक्स का काम काफ़ी ज़्यादा चल रहा था उसके लिए फिल्म काफ़ी डिले हुई थी उसके चलते पोस्ट प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से इस फिल्म को बाद में कुछ ऐसे सरकमटेंसीज क्रिएट हुए जिसके चलते एक मार्च 2024 को रिलीज़ करने के लिए फिक्स किया गया अभी फिलहाल में इस फिल्म का टीजर दो गाने रिलीज़ हो चुके हैं ट्रेलर रिलीज हो चुका है सभी चीज़ें कंटेंट वाइज देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही है और ये जो फिल्म है एक मार्च 2024 को थिएट्रिकली रिलीज़ होती हुई नजर आएगी तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में अब देखते हैं कि ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या कै, इनिशियली डेज़ के ऊपर रिस्पॉन्स हासिल करती है तेलुगु वर्ज़न डेफिनेटली वरुण तेज की जो फैन फॉलोइंग है उस हिसाब से डिसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ कलेक्शन करेगा हिंदी वर्जन प्योर डिपेंड करेगा फिल्म के वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर अगर वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव निकल के आता है तो तेलुगू में तीन दिनों के बाद डेज में भी अच्छा कलेक्शन रहेगा और एक लंबा रन ले सकती है फिल्म और बढ़िया कलेक्शन कर सकती है हिंदी मार्केट में भी ये फिल्म अगर अच्छी रिस्पॉन्स हासिल की तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन कर सकती है अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ किस तरह से कैसे क्या रिस्पॉन्स रहता है अगर ये फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो डेफिनेटली तेलुगु हिंदी दोनों वर्जन में एक बढ़िया कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल का टेगमाक हासिल कर सकती है इस फिल्म के जो ओ टी टी है तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन के लिए वो खरीदे अमेजन प्राइम वीडियो ने वहीं पर इस फिल्म के हिंदी सेटेलाइट राइट्स से है वो सोनी मैक्स के पास है सोनी एंटरटेनमेंट के पास है इसका मतलब थिएट्रिकली रिलीज़ के कुछ दिनों के बाद पचास साठ दिनों के बाद ये फिल्म अमेज एमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ऑपरेशन वेलेंटाइन नाम के साथ देखने को मिल जाएगी वहीं पे उसके कुछ दिनों के बाद कुछ महीनों के बाद इस फिल्म को हिंदी वर्जन में ऑपरेशन वेलेंटाइन नाम के साथ सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ऑपरेशन वेलेंटाइन फिल्म फ़िलहाल में थिएट्रिकली एक मार्च दो को रिलीज़ होने के लिए तैयार है इसके अलावा ये फिल्म आने वाले कुछ समय के बाद अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु और हिंदी दोनों वर्ज़न में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको ओ वर्जन के कुछ समय के बाद सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से ऑपरेशन वेलेंटाइन फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे ऑपरेशन वेलेंटाइन जो 2024 की इंडियन हिस्टोरिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है ये एक बाइलिंगल फिल्म है इस फिल्म को दो लैंग्वेजेज में बनाया गया है जहाँ पे एक है तेलुगु दूसरे हिंदी दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से इस फिल्म को शूट किया हुआ है तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रोप्योर वे में इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बनाया गया था एक हिंदी फिल्म कह सकते हैं इसको इसके अलावा इस फिल्म में जो, जो जोनर है एक्शन थ्रिलर उसमें एक और चीज़ ऐड की हुई है ये एक फाइटर फिल्म जो आई हुई थी जिसमें एरियल एक्शन थ्रिलर देखने को मिला था जो इंडिया की पहली एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म थी तो ठीक उसी तरह इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ चीज़ें देखने को मिलती है ये भी एक एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म ही है जहाँ पे यहाँ पे भी आपको पेट्रोटिज़म और वो सभी चीज़ें देखने को मिलेगी तो आप देखते हैं कि वो सभी चीज़ों के साथ फिल्म में क्या सभी क्या चीज़ें हुई है अदरवाइज इस फिल्म में हम दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे शक्ति प्रताप सिंह हड्डा उनका एज ए डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू है जहाँ पे वो काफ़ी बड़ी फिल्म लेके आए हुए एज ए डायरेक्टर के तौर पे फिल्म के डायलॉग से वो तेलुगु वर्जन के लिए साय माधव बुर्रा ने लिखे हुए हिंदी वर्जन के लिए वैभव जो विशाल ने लिखे हुए स्क्रीन प्ले है वो शक्ति प्रताप सिंह हडा आमिर नाहिद खान और सिद्धार्थ राजकुमार ने लिखा हुआ है और डायरेक्शन शक्ति प्रताप सिंह हडा का ही देखने को मिलेगा इसके अलावा इस फिल्म को सोने पिक्चर्स और संदीप मुड्डा के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है जहाँ पे सोन सोनी पिक्चर्स और रीना इजेंस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक डिसेंट अच्छे खासे बजट के साथ बनाया गया है जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में वरुण तेज मानुषी चिल्लर नवदीप मीर सार जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो हरी के वेदांतम ने की हुई है एडिटिंग है वो नवीन नुल्ली ने की हुई है जिन्होंने इससे पहले जो जर्सी फिल्म आई थी 2019 की जहाँ पे नानी के साथ उन्होंने वो फिल्म में काम किया हुआ था वहां पे उस फिल्म में उन्होंने एज ए एडिटर के तौर पे नेशनल अवार्ड जीता हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें मिक्की जे मेयर के द्वारा इस फिल्म के गाने कंपोज किया बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया गया है जहां पे म्यूजिक के राइट्स है वो सारे कमा वालों ने खरीदे हुए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें वरुण तेज लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे रुद्रा का उनका पूरा नाम है अर्जुन रुद्रा देव इसके अलावा इस फिल्म में मानुषी चिल्लर देखने को मिलती है सोनल के रोल में वरुण तेज और मानुषी चिल्लर एक दूसरे के साथ पहली बार काम करते हुए नज़र आए जहाँ पे मानुषी चिल्लर जिन्होंने इससे पहले पृथ्वीराज फिल्म में काम किया हुआ था सम्राट पृथ्वीराज फिल्म में तो उस फिल्म के बाद उन्होंने एक और हिंदी फिल्म की थी द ग्रेट इंडियन फैमिली दो हजार तेईस में और ये पहली उनकी तेलुगु फिल्म है तेलुगु डेब्यू कहा जाएगा इसके बाद वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ में भी है और तेहरान फिल्म भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी मानु सी चिल्लर इस फिल्म में सोनल का रोल प्ले करती हुई नज़र आई है जहाँ पे इस फिल्म में नवदीप विंग कमांडर कबीर का रोल प्ले करे रूहानी शर्मा जो तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है एज अ लीड एक्टर के तौर पे उन्होंने काफ़ी सारी तेलुगु फिल्मों में काम किया हुआ है चीला सो फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था हिट द फर्स्ट केस डर्टी हरी नुतकुल्लो जिला दंगाडू और हर चैप्टर वन जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया हुआ है फिलहाल में सेंधव फिल्म में भी वो नज़र आई हुई थी वेंकटेश दगुपती के अपोजिट इसके अलावा इस फिल्म मीर सारवार भी एक इम्पोर्टेंट रोल दे, दे प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे इनके थ्रू फिल्म की कहानी को हमारे साथ दिखाया जाएगा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत दो में ही करवा दी गई थी स्टार्टिंग में जहाँ पे इस फिल्म का जो शूटिंग था वो दो लैंग्वेजेस में था तेलुगु और हिंदी जब इस फिल्म का तीसरा शेड्यूल चल रहा था तब क्रिएटर के द्वारा ऑफिशियल इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था थर्ड शेड्यूल था वो चौदह अगस्त दो हज़ार तेईस को थर्ड शेड्यूल के दौरान ऑपरेशन वेलेंटाइन नाम के साथ इस फिल्म को अनाउंस किया गया था उन्नीस अक्टूबर दो हज़ार तेईस को बताया गया था कि इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी ब्रेपअप हो चुकी है इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी पहले ही स्टार्ट करवा दी गई थी जहाँ पे इस फिल्म की जो एक शूटिंग की हुई थी उसका एक वीडियो बताया गया था शेयर किया गया था किस तरह से इस फिल्म को कैप्चर किया हुआ है पोस्टर और काफी स्टैंड आउट मोमेंट भी शेयर किए हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में 18 दिसंबर 2023 को सोनी पिक्चर प्रोडक्शन के द्वारा टीजर अनवील किया गया था ऑपरेशन वेलेंटाइन फर्स्ट स्ट्राइक के तौर पर उसके बाद में फरवरी दो को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया अब ये फिल्म आने वाले समय में रिलीज होने के लिए तैयार है जहाँ पे टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उससे पता चल रहा है कि फिल्म एक अच्छी खासी बनी होगी जो एक पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग चाहिए इसके अलावा एक्शन रिवेंज ड्रामा और जो एरियल एक्शन अभी फिलहाल में नया निकला हुआ इंडियन इंडस्ट्री में तो फाइटर फिल्म के बाद एक बार फिर से इस फिल्म में वो सब वही फिर सिमिलर थीम के साथ चीज़ें देखने को मिलेगी इस फिल्म में जो गाने जहाँ पे एक गाना है वो जो वंदे मातरम वाला वो वाघा बॉर्डर के ऊपर रिलीज़ किया गया था पहला सॉन्ग वहाँ पे अनवील किया गया था साउंड ट्रैक बैकग्राउंड को जैसे मैंने कहा कि मिकी जे मेयर ने कंपोज किया हुआ है सारे गमा के द्वारा ऑडियो के राइट्स रिक्वायर एक्वायर किए गए थे जहाँ पे एक गाना है गगन नाला जिसके ऊपर बातचीत करें तो उस गाने को सारे गमा वालों ने रिलीज करवाया हुआ था छः फरवरी 2024 को तो वो गाना था उसको गाया हुआ है अरमान मलिक ने राम जोगिया शास्त्री ने लिखा हुआ है और मिकी जेयर के मेयर के द्वारा म्यूज़िक दिया गया है इसके अलावा एक गाना आपको और सुनने को मिला होगा अभी फिलहाल में जिसका नाम है वंदे मातरम जो पहला सिंगल था फिल्म का तो उसको का बॉर्डर के ऊपर जो रिलीज़ किया गया था उस गाने के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ तो उस गाने को करीबन करीबन सत्रह जनवरी दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया था ऑफिशियली फर्स्ट सिंगल के तौर पे जहाँ पे इस गाने को गाया हुआ है कुणाल कुंदू ने कोरस था वो रमिया बेहरा जी मिकी जय मेयर और कृष्णा तेजस्वी ने दिए हुए लिरिक्स थे वो सारस्वती पुत्र और जोग्य शास्त्री ने लिखे हुए कीबोर्ड का काम मेयर ने संभाला हुआ था बास गिटार था स्टीफन ने दिया हुआ था प्रशिक्षण और रिदम का काम है वंकटेश पतवारी ने दिया हुआ था स्ट्रिंग सेक्शन में सारा स्प्रिंगल ने काम किया हुआ था सॉन्ग की मिक्सिंग मिखी जय मेयर ने की, की हुई थी जो गाना था वो सुबह के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में सॉन्ग के मास्टरिंग वो कायल हॉलैंड के द्वारा यूएसए में करवाई गई थी तो ये कुछ दो गाने फिलहाल में रिलीज़ किए हुए हो सकते हैं आने वाले समय में कुछ और गाने वो डेफिनेटली रिलीज़ करवाए जाएंगे तो ये सभी गाने फिलहाल में आपको सारे गामा म्यूज़िक और सारे गामा के ऊपर तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे वो भी बिल्कुल फ्री में अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत कर लेते थे थोड़ी बहुत तो फिल्म की ओरिजिनल जो शेड्यूल रिलीज डेट थी थिएट्रिकली वो थी आठ दिसंबर 2023 को बाद में फिल्म को रीड रिटेड्यूल किया गया था सोलह फरवरी दो के ऊपर लेकिन फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो डिले हो रहा था क्योंकि एक एरियल एक्शन थी जिसके लिए वे फिक्स जे का काम काफ़ी ज़्यादा चल रहा था उसके लिए फिल्म काफ़ी डिले हुई थी उसके चलते पोस्ट प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से इस फिल्म को बाद में कुछ ऐसे सरकम क्रिएट हुए जिसके चलते एक मार्च 2024 को रिलीज करने के लिए फिक्स किया गया अभी फिलहाल में इस फिल्म का टीजर दो गाने रिलीज हो चुके हैं ट्रेलर रिलीज हो चुका है सभी चीज़ें कंटेंट वाइज देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही है और ये जो फिल्म है एक मार्च दो हजार चौबीस को थिएट्रिकली रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में अब देखते हैं कि ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या कै, इनिशियली डेज के ऊपर रिस्पॉन्स हासिल करती है तेलुगु वर्जन डेफिनेटली वरुण तेज की जो फैन फॉलोइंग है उस हिसाब से डिसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ कलेक्शन करेगा हिंदी वर्जन प्योर डिपेंड करेगा फिल्म के वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर अगर वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव निकल के आता है तो तेलुगु में तीन दिनों के बाद वीक डेज में भी अच्छा कलेक्शन रहेगा और एक लंबा रन ले सकती है फिल्म और बढ़िया कलेक्शन कर सकती है हिंदी मार्केट में भी ये फिल्म अगर अच्छी रिस्पॉन्स हासिल की तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन कर सकती है अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ किस तरह से कैसे क्या रिस्पॉन्स रहता है अगर ये फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो डेफिनेटली तेलुगु हिंदी दोनों वर्जन में एक बढ़िया कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल का टेग मार्क हासिल कर सकती है इस फिल्म के जो ओ टी टी राइड्स है तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन के लिए वो खरीदे अमेजन प्राइम वीडियो ने वहीं पर इस फिल्म के हिंदी सेटेलाइट राइट्स से है वो सोनी मैक्स के पास है सोनी एंटरटेनमेंट के पास है इसका मतलब थिएट्रिकली रिलीज के कुछ दिनों के बाद पचास साठ दिनों के बाद ये फिल्म

बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ऑपरेशन वेलेंटाइन फिल्म फिलहाल में थिएट्रिकली एक मार्च दो को रिलीज़ होने के लिए तैयार है इसके अलावा ये फिल्म आने वाले कुछ समय के बाद अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर तेलगू और हिंदी दोनों वर्ज़न में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको ओ वर्जन के कुछ समय के बाद सोनी uh, मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से ऑपरेशन वेलेंटाइन फिल्म आप ऑफिशियली ओटी टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर पाओगे ऑपरेशन वेलेंटाइन जो 2024 की इंडियन हिस्टोरिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है ये एक बाइलिंगल फिल्म है इस फिल्म को दो लैंग्वेज में बनाया गया है जहाँ पे एक है तेलुगु दूसरे हिंदी दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से इस फिल्म को शूट किया हुआ है तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रो प्योर वे में इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बनाया गया तो एक हिंदी फिल्म कह सकते हैं इसको इसके अलावा इस फिल्म में जो, जो जोनर है एक्शन थ्रिलर उसमें एक और चीज़ ऐड की हुई है ये एक फाइटर फिल्म जो आई हुई थी जिसमें एरियल एक्शन थ्रिलर देखने को मिला था जो इंडिया की पहली एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म थी तो ठीक उसी तरह इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ चीज़ें देखने को मिलती है ये भी एक एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म ही है जहाँ पे यहाँ पे भी आपको पेट्रोटिज़म और वो सभी चीज़ें देखने को मिलेगी तो आप देखते हैं कि वो सभी चीज़ों के साथ फिल्म में क्या सभी क्या चीज़ें हुई है अदरवाइज इस फिल्म में हम दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे शक्ति प्रताप सिंह हड्डा उनका एज ए डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू है जहाँ पे वो काफी बड़ी फिल्म लेके आए हुए एज ए डायरेक्टर के तौर पे फिल्म के डायलॉग से वो तेलुगु वर्जन के लिए साय माधव बुर्रा ने लिखे हुए हिंदी वर्जन के लिए वैभव मिजे विशाल ने लिखे हुए स्क्रीन प्ले है वो शक्ति प्रताप सिंह हडा आमिर नाहिद खान और सिद्धार्थ राजकुमार ने लिखा हुआ है और डायरेक्शन शक्ति प्रताप सिंह हडा का ही देखने को मिलेगा इसके अलावा इस फिल्म को सोने पिक्चर्स और संदीप मुड्डा के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है जहाँ पे सोनी सोनी पिक्चर्स और रीनाइजेंस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक डिसेंट अच्छे खासे बजट के साथ बनाया गया है जहां पर इस फिल्म की कास्टिंग में वरुण तेज मानुषी चिल्लर नवदीप मीर जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो हरी के वेदांतम ने की हुई है एडिटिंग है वो नवीन नुल्ली ने की हुई है जिन्होंने इससे पहले जो जर्सी फिल्म आई थी 2019 की जहां पे नानी के साथ उन्होंने वो उन फिल्म में काम किया हुआ था वहां पे उस फिल्म में उन्होंने एज ए एडिटर के तौर पे नेशनल अवार्ड जीता हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें मिक्की जे मेयर के द्वारा इस फिल्म के गाने कंपोज किए गए बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया गया है जहां पे म्यूजिक के राइट्स है वो सारे कमा वालों ने खरीदे हुए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें वरुण तेज लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे रुद्रा का उनका पूरा नाम है अर्जुन रुद्रा देव इसके अलावा इस फिल्म में मानुषी चिल्लर देखने को मिलती है सोनल के रोल में वरुण तेज और मानुषी चिल्लर एक दूसरे के साथ पहली बार काम करते हुए नजर आए जहाँ पे मानुषी चिल्लर जिन्होंने इससे पहले पृथ्वीराज फिल्म में काम किया हुआ था सम्राट पृथ्वीराज फिल्म में तो उस फिल्म के बाद उन्होंने एक और हिंदी फिल्म थी, की थी द ग्रेट इंडियन फैमिली 2023 में और ये पहली उनकी तेलुगु फिल्म है तेलुगु डेब्यू कहा जाएगा इसके बाद वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ में भी है और तेहरान फिल्म में भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी मानु चिल्लर इस फिल्म में सोनल का रोल प्ले करती हुई नजर आई है जहाँ पे इस फिल्म में नवदीप विंग कमांडर कबीर का रोल प्ले कर रहे रूहानी शर्मा जो तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है एज अ लीड एक्टर के तौर पे उन्होंने काफी सारी तेलुगु फिल्मों में काम किया हुआ है चीला सो फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था हिट द फर्स्ट केस डर्टी हरी नुतकुल्लो जिला दंगाडू और हर चैप्टर वन जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया हुआ है फिलहाल में सेंधव फिल्म में भी वो नजर आई हुई थी वेंकटेश दगुपती के अपोजिट इसके अलावा इस फिल्म में मीर सारववार भी एक इम्पोर्टेंट रोल दे, दे प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे इनके थ्रू फिल्म की कहानी को हमारे साथ दिखाया जाएगा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत दो हज़ार तेईस में ही करवा दी गई थी स्टार्टिंग में जहाँ पे इस फिल्म का जो शूटिंग था वो दो लैंग्वेजेस में था तेलुगु और हिंदी जब इस फिल्म का तीसरा शेड्यूल चल रहा था तब क्रिएटर के द्वारा ऑफिशियल इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था थर्ड शेड्यूल था वो चौदह अगस्त दो हजार तेईस को थर्ड शेड्यूल के दौरान ऑपरेशन वेलेंटाइन नाम के साथ इस फिल्म को अनाउंस किया गया था उन्नीस अक्टूबर दो हजार तेईस को बताया गया था कि इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी ब्रेपअप हो चुकी है इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी पहले ही स्टार्ट करवा दी गई थी जहाँ पे इस फिल्म की जो एक शूटिंग की हुई थी उसका एक वीडियो बताया गया था शेयर किया गया था किस तरह से इस फिल्म को कैप्चर किया हुआ है पोस्टर और काफी स्टैंड आउट मोमेंट भी शेयर किए हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में 18 दिसंबर 2023 को सोनी पिक्चर प्रोडक्शन के द्वारा टीजर अनवील किया गया था ऑपरेशन वेलेंटाइन फर्स्ट स्ट्राइक के तौर पर उसके बाद में फरवरी 2024 को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया अब ये फिल्म आने वाले समय में रिलीज होने के लिए तैयार है जहां पर टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उससे पता चल रहा है कि फिल्म एक अच्छी खासी बनी होगी जो एक पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग चाहिए इसके अलावा एक्शन रिवेंज ड्रामा और जो एरियल एक्शन अभी फ़िलहाल में नया निकला हुआ है इंडियन इंडस्ट्री में तो फाइटर फिल्म के बाद एक बार फिर से इस फिल्म में वो सब वही सिमिलर थीम के साथ चीज़ें देखने को मिलेगी इस फिल्म में जो गाने हैं जहाँ पे एक गाना है वो जो वंदे मातरम वाला वो वाघा बॉर्डर के ऊपर रिलीज़ किया गया था पहला सॉन्ग वहाँ पे अनविल किया गया था साउंड ट्रैक बैकग्राउंड को जैसे मैंने कहा कि मैकि जे मेयर ने कंपोज किया हुआ है सारे गा के द्वारा ऑडियो के राइट्स एक्वायर किए गए थे जहाँ पे एक गाना है गगन नाला जिसके ऊपर बातचीत करें तो उस गाने को सारे गाँ वालों ने रिलीज करवाया हुआ था 6 फरवरी 2024 को तो वो गाना था उसको गाया हुआ है अरमान मलिक ने राम जोगे शास्त्री ने लिखा हुआ है और मिकी जेयर के मेयर के द्वारा म्यूज़िक दिया गया है इसके अलावा एक गाना आपको और सुनने को मिला होगा अभी फिलहाल में जिसका नाम है वंदे मातरम जो पहला सिंगल था फिल्म का तो उसको वाह बॉर्डर के ऊपर जो रिलीज़ किया गया तो उस गाने के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ तो उस गाने को करीबन करीबन 17 जनवरी दो हजार चौबीस को रिलीज किया गया था ऑफिशियली फर्स्ट सिंगल के तौर पे जहाँ पे इस गाने को गाया हुआ है कुणाल कुंदू ने कोरस था वो रमिया बेहरा जी की जय मेयर और कृष्णा तेजस्वी ने दिए हुए लिरिक्स थे वो सारस्वती पुत्र और रामजोग्य शास्त्री ने लिखे हुए कीबोर्ड का काम वी की मेयर ने संभाला हुआ था बास गिटार था स्टीफन ने दिया हुआ था प्रशिक्षण और रिदम का काम है वेंटेश पतवारी ने दिया हुआ था स्ट्रिंग सेक्शन में सारा स्प्रिंगल ने काम किया हुआ था सॉन्ग की मिक्सिंग मी कीजिए मेयर ने की, की हुई थी जो गाना था वो सुबह के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में सॉन्ग के मास्टरिंग वो कायल हॉलैंड के द्वारा यूएसए में करवाई गई थी तो ये कुछ दो गाने फिलहाल में रिलीज़ किए हुए हो सकते हैं आने वाले समय में कुछ और गाने वो डेफिनेटली रिलीज़ करवाए जाएंगे तो ये सभी गाने फिलहाल में आपको सारे गामा म्यूजिक और सारे गामा के ऊपर तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे वो भी बिल्कुल फ्री में अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत कर लेते थोड़ी बहुत तो फिल्म की ओरिजिनल जो शेड्यूल रिलीज डेट थी थिएट्रिकली वो थी 8 दिसंबर 2023 को बाद में फिल्म को रीड शेड्यूल किया गया था 16 फरवरी 2024 के ऊपर लेकिन फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो डिले हो रहा था क्योंकि एक ए रियल एक्शन थी जिसके लिए वे जे का का काम काफ़ी ज़्यादा चल रहा था उसके लिए फिल्म काफ़ी डिले हुई थी उसके चलते पोस्ट प्रोडक्शन का काम डिले होने के वजह से इस फिल्म को बाद में जहाँ कुछ ऐसे सरकमटेंसीज क्रिएट हुए जिसके चलते एक मार्च 2024 को रिलीज़ करने के लिए फिक्स किया गया अभी फिलहाल में इस फिल्म का टीजर दो गाने रिलीज़ हो चुके हैं ट्रेलर रिलीज हो चुका है सभी चीज़ें कंटेंट वाइज देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है और ये जो फिल्म है एक मार्च दो को थिएट्रिकली रिलीज़ होती हुई नजर आएगी तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में अब देखते हैं कि ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या कै, इनिशियली डेज के ऊपर हासिल करती है तेलुगु वर्जन डेफिनेटली वरुण तेज की जो फैन फॉलोइंग है उस हिसाब से डिसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ कलेक्शन करेगा हिंदी वर्जन प्योर डिपेंड करेगा फिल्म के वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर अगर वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव निकल के आता है तो तेलुगु में तीन दिनों के बाद विगडेज में भी अच्छा कलेक्शन रहेगा और एक लंबा रन ले सकती है फिल्म और बढ़िया कलेक्शन कर सकती है हिंदी मार्केट में भी ये फिल्म अगर अच्छी रिस्पॉन्स हासिल की तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन कर सकती है अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ किस तरह से कैसे क्या रिस्पॉन्स रहता है अगर ये फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो डेफ़िनेटली तेलुगु हिंदी दोनों वर्जन में एक बढ़िया कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल का मार्क हासिल कर सकती है इस फिल्म के जो ओ टी टी है तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन के लिए वो ख़रीदे हुए प्राइम वीडियो ने वहीं पर इस फिल्म के हिंदी सेटेलाइट राइट्स से है वो सोनी मैक्स के पास है सोनी एंटरटेनमेंट के पास है इसका मतलब थिएट्रिकली रिलीज़ के कुछ दिनों के बाद पचास साठ दिनों के बाद ये फिल्म Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ऑपरेशन वैलेंटाइन नाम के साथ देखने को मिल जाएगी वहीं पे उसके कुछ दिनों के बाद कुछ महीनों के बाद इस फिल्म को हिंदी वर्जन में ऑपरेशन वैलेंटाइन नाम के साथ सोनीमैक्स और Sony एच HD चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ऑपरेशन वेलेंटाइन फिल्म फ़िलहाल में थिएट्रिकली एक मार्च दो को रिलीज़ होने के लिए तैयार है इसके अलावा ये फिल्म आने वाले कुछ समय के बाद अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर तेलगु और हिंदी दोनों वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको ओ -टी -टी वर्जन के कुछ समय के बाद सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से ऑपरेशन वेलेंटाइन फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे ऑपरेशन वेलेंटाइन जो 2024 की इंडियन हिस्टोरिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है ये एक बाइलिंगल फिल्म है इस फिल्म को दो लैंग्वेजेज में बनाया गया है जहाँ पे एक है तेलुगु दूसरे हिंदी दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से इस फिल्म को शूट किया हुआ है तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रो प्योर वे में इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बनाया गया था एक हिंदी फिल्म कह सकते हैं इसको इसके अलावा इस फिल्म में जो, जो जोनर है एक्शन थ्रिलर उसमें एक और चीज़ ऐड की हुई है ये एक फाइटर फिल्म जो आई हुई थी जिसमें एरियल एक्शन थ्रिलर देखने को मिला था जो इंडिया की पहली एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म थी तो ठीक उसी तरह इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ चीज़ें देखने को मिलती है ये भी एक एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म ही है जहाँ पे यहाँ पे भी आपको पेट्रोटिज़म और वो सभी चीज़ें देखने को मिलेगी तो आप देखते हैं कि वो सभी चीज़ों के साथ फिल्म में क्या सभी क्या चीज़ें हुई है अदरवाइज इस फिल्म में हम दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे शक्ति प्रताप सिंह हड्डा उनका एज ए डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू है जहाँ पे वो काफ़ी बड़ी फिल्म लेके आए हुए एज ए डायरेक्टर के तौर पे फिल्म के डायलॉग्स से वो तेलुगु वर्जन के लिए साए माधव बुर्रा ने लिखे हुए हिंदी वर्जन के लिए वैभव मिर्ज विशाल ने लिखे हुए स्क्रीन प्ले है वो शक्ति प्रताप सिंह हडा आमिर नाहिद खान और सिद्धार्थ राजकुमार ने लिखा हुआ है और डायरेक्शन शक्ति प्रताप सिंह हडा का ही देखने को मिलेगा इसके अलावा इस फिल्म को सोने पिक्चर्स और संदीप मुड्डा के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है जहाँ पे सोन सोनी पिक्चर्स और रीना इजेंस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक डिसेंट अच्छे खासे बजट के साथ बनाया गया है जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में वरुण तेज मानुषी चिल्लर नवदीप मीर सार जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो हरी के वेदांतम ने की हुई है एडिटिंग है वो नवीन नुल्ली ने की हुई है जिन्होंने इससे पहले जो जर्सी फिल्म आई थी 2019 की जहां पे नानी के साथ उन्होंने वो फिल्म में काम किया हुआ था वहां पे उस फिल्म में उन्होंने एज ए एडिटर के तौर पे नेशनल अवार्ड जीता हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें मिक्की जे मेयर के द्वारा इस फिल्म के गाने कंपोज किया बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया गया है जहां पे म्यूजिक के राइट्स है वो सारे कमा वालों ने खरीदे हुए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें वरुण तेज लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे रुद्रा का उनका पूरा नाम है अर्जुन रुद्रा देव इसके अलावा इस फिल्म में मानुषी चिल्लर देखने को मिलती है सोनल के रोल में वरुण तेज और मानुषी चिल्लर एक दूसरे के साथ पहली बार काम करते हुए नज़र आए जहाँ पे मानुषी चिल्लर जिन्होंने इससे पहले पृथ्वीराज फिल्म में काम किया हुआ था सम्राट पृथ्वीराज फिल्म में तो उस फिल्म के बाद उन्होंने एक और हिंदी फिल्म की थी द ग्रेट इंडियन फैमिली दो हजार तेईस में और ये पहली उनकी तेलुगु फिल्म है तेलुगु डेब्यू कहा जाएगा इसके बाद वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ में भी है और तेहरान फिल्म में भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी मानु चिल्लर इस फिल्म में सोनल का रोल प्ले करती हुई नज़र आई है जहाँ पे इस फिल्म में नवदीप विंग कमांडर कबीर का रोल प्ले करे रूहानी शर्मा जो तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है एज अ लीड एक्टर के तौर पे उन्होंने काफ़ी सारी तेलुगु फिल्मों में काम किया हुआ है चीला सो फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था हिट द फर्स्ट केस डर्टी हरी नुतकुल्लो जिला दंगाडू और हर चैप्टर वन जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया हुआ है फिलहाल में सेंधव फिल्म में भी वो नज़र आई हुई थी वेंकटेश दगुपति के अपोजिट इसके अलावा इस फिल्म मेर सारवार भी एक इम्पोर्टेंट रोल दे, दे प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे इनके थ्रू फिल्म की कहानी को हमारे साथ दिखाया जाएगा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत दो में ही करवा दी गई थी स्टार्टिंग में जहाँ पे इस फिल्म का जो शूटिंग था वो दो लैंग्वेजेस में था तेलुगु और हिंदी जब इस फिल्म का तीसरा शेड्यूल चल रहा था तब क्रिएटर के द्वारा ऑफिशियल इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था थर्ड शेड्यूल था वो चौदह अगस्त दो हज़ार तेईस को थर्ड शेड्यूल के दौरान ऑपरेशन वेलेंटाइन नाम के साथ इस फिल्म को अनाउंस किया गया था उन्नीस तो अक्टूबर दो हज़ार तेईस को बताया गया था कि इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी ब्रेपअप हो चुकी है इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी पहले ही स्टार्ट करवा दी गई थी जहाँ पे इस फिल्म की जो एक शूटिंग की हुई थी उसका एक वीडियो बताया गया था शेयर किया गया था किस तरह से इस फिल्म को कैप्चर किया हुआ है पोस्टर और काफी स्टैंड आउट मोमेंट भी शेयर किए हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में 18 दिसंबर 2023 को सोनी पिक्चर प्रोडक्शन के द्वारा टीजर अनवील किया गया था ऑपरेशन वेलेंटाइन फर्स्ट स्ट्राइक के तौर पे उसके बाद में फरवरी 2024 को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया अब ये फिल्म आने वाले समय में रिलीज होने के लिए तैयार है जहाँ पे टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उससे पता चल रहा है कि फिल्म एक अच्छी खासी बनी होगी जो एक पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग चाहिए इसके अलावा एक्शन, रिवेंज ड्रामा और जो एरियल एक्शन अभी फिलहाल में नया निकला हुआ है इंडियन इंडस्ट्री में तो फाइटर फिल्म के बाद एक बार फिर से इस फिल्म में वह सब वही सिमिलर थीम के साथ चीज़ें देखने को मिलेगी इस फिल्म में जो गाने जहाँ पे एक गाना है वो जो वंदे मातरम वाला वो वाघा बॉर्डर के ऊपर रिलीज किया गया था पहला सॉन्ग वहाँ पे अनवील किया गया था साउंड ट्रैक बैकग्राउंड को जैसे मैंने कहा कि मिकी जे मेयर ने कंपोज किया हुआ है सारे गा के द्वारा ऑडियो के राइट्स एक्वायर किए गए थे जहाँ पे एक गाना है गगन नाला जिसके ऊपर बातचीत करें तो उस गाने को सारे गमा वालों ने रिलीज करवाया हुआ था 6 फरवरी 2024 को तो वो गाना था उसको गाया हुआ है अरमान मलिक ने राम जोगे शास्त्री ने लिखा हुआ है और मिकी जेयर के मेयर के द्वारा म्यूज़िक दिया गया है इसके अलावा एक गाना आपको और सुनने को मिला होगा अभी फिलहाल में जिसका नाम है वंदे मातरम जो पहला सिंगल था फिल्म का तो उसको बाघा बॉर्डर के ऊपर जो रिलीज़ किया गया था उस गाने के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ तो उस गाने को करीबन करीबन सत्रह जनवरी दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया था ऑफिशियली फर्स्ट सिंगल के तौर पे जहाँ पे इस गाने को गाया हुआ है कुणाल कुंदू ने कोरस था वो रमिया बेहरा जी मिकी जय मेयर और कृष्णा तेजस्वी ने दिए हुए लिरिक्स थे वो सारस्वती पुत्र और राम जोग्य शास्त्री ने लिखे हुए कीबोर्ड का काम कीजिए मेयर ने संभाला हुआ था बास गिटार था स्टीफन ने दिया हुआ था प्रीशिक्षण और रिदम का काम है वेंकटेश पतवारी ने दिया हुआ था स्ट्रिंग सेक्शन में सारा स्प्रिंगल ने काम किया हुआ था सॉन्ग की मिक्सिंग मिखी मेयर ने की, की हुई थी जो गाना था वो सुबह के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में सॉन्ग के मास्टरिंग वो कायल हॉलैंड के द्वारा यूएसए में करवाई गई थी तो ये कुछ दो गाने फिलहाल में रिलीज़ किए हुए हो सकता है आने वाले समय में कुछ और गाने वो डेफिनेटली रिलीज करवाए जाएंगे तो ये सभी गाने फिलहाल में आपको सारे गामा म्यूजिक और सारे गामा के ऊपर तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे वो भी बिल्कुल फ्री में अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत कर लेते थे थोड़ी बहुत तो फिल्म की ओरिजिनल जो शेड्यूल रिलीज डेट थी थिएट्रिकली वो थी आठ दिसंबर दो को बाद में फिल्म को रीड शेड्यूल किया गया था सोलह फरवरी दो के ऊपर लेकिन फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो डिले हो रहा था क्योंकि एक एरियल एक्शन थी जिसके लिए वे फिक्स का काम काफ़ी ज़्यादा चल रहा था उसके लिए फिल्म काफ़ी डिले हुई थी उसके चलते पोस्ट प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से इस फिल्म को बाद में जहा कुछ ऐसे सरकम क्रिएट हुए जिसके चलते एक मार्च दो को रिलीज करने के लिए फिक्स किया गया अभी फिलहाल में इस फिल्म का टीजर दो गाने रिलीज हो चुके हैं ट्रेलर रिलीज हो चुका है सभी चीज़ें कंटेंट वाइज देखा जाए काफ़ी बढ़िया नजर आ रही है और ये जो फिल्म है एक मार्च दो हजार चौबीस को थिएट्रिकली रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में अब देखते हैं कि ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या कै, इनिशियली डेज के ऊपर रिस्पॉन्स हासिल करते तेलुगु वर्जन डेफिनेटली वरुण तेज की जो फैन फॉलोइंग है उस हिसाब से डिसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ कलेक्शन करेगा हिंदी वर्जन प्योर डिपेंड करेगा फिल्म के वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर अगर वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव निकल के आता है तो तेलगु में तीन दिनों के बाद वीकडेज डेज में भी अच्छा कलेक्शन रहेगा और एक लंबा रन ले सकती है फिल्म और बढ़िया कलेक्शन कर सकती है हिंदी मार्केट में भी ये फिल्म अगर अच्छी रिस्पॉन्स हासिल की तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन कर सकती है अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ किस तरह से कैसे क्या रिस्पांस रहता है अगर ये फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो डेफिनेटली तेलुगु हिंदी दोनों वर्जन में एक बढ़िया कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल का टेगमाक हासिल कर सकती है इस फिल्म के जो ओ टी टी राइट है तेलगु और हिंदी दोनों वर्जन के लिए वो खरीदे अमेजन प्राइम वीडियो ने वहीं पर इस फिल्म के हिंदी सेटेलाइट राइट्स से है वो सोनी मैक्स के पास है सोनी एंटरटेनमेंट के पास है इसका मतलब थिएट्रिकली रिलीज़ के कुछ दिनों के बाद पचास साठ दिनों के बाद ये फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ऑपरेशन वेलेंटाइन नाम के साथ देखने को मिल जाएगी वहीं पे उसके कुछ दिनों के बाद कुछ महीनों के बाद इस फिल्म को हिंदी वर्जन में ऑपरेशन वैलेंटाइन नाम के साथ सोनी मैक्स और सोनीमैक्स एच चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ऑपरेशन वैलेंटाइन फिल्म फिलहाल में थिएट्रिकली एक मार्च दो को रिलीज़ होने के लिए तैयार है इसके अलावा ये फिल्म आने वाले कुछ समय के बाद अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु और हिंदी दोनों वर्ज़न में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको ओ वर्जन के कुछ समय के बाद सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से ऑपरेशन वेलेंटाइन फिल्म आप ऑफिशियली ओटी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर पाओगे ऑपरेशन वेलेंटाइन जो 2024 की इंडियन हिस्टोरिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है ये एक बाइलिंगल फिल्म है इस फिल्म को दो लैंग्वेजेस में बनाया गया है जहाँ पे एक है तेलुगु दूसरे हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में बारी बारी से इस फिल्म को शूट किया हुआ है तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रो प्योर वे में इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बनाया गया था एक हिंदी फिल्म कह सकते हैं इसको इसके अलावा इस फिल्म में जो, जो जोनर है एक्शन थ्रिलर उसमें एक और चीज़ ऐड की हुई है ये एक फाइटर फिल्म जो आई हुई थी जिसमें एरियल एक्शन थ्रिलर देखने को मिला था जो इंडिया की पहली एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म थी तो ठीक उसी तरह इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ चीज़ें देखने को मिलती है ये भी एक एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म ही है जहाँ पे यहाँ पे भी आपको पेट्रोटिज़म और वो सभी चीज़ें देखने को मिलेगी तो आप देखते हैं कि वो सभी चीज़ों के साथ फिल्म में क्या सभी क्या चीज़ें हुई है अदरवाइज इस फिल्म में हम दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे शक्ति प्रताप सिंह हड्डा उनका एज ए डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू है जहाँ पे वो काफ़ी बड़ी फिल्म लेके आए हुए एज ए डायरेक्टर के तौर पे फिल्म के डायलॉग से वो तेलुगु वर्जन के लिए साए माधव गुर्रा ने लिखे हुए हिंदी वर्जन के लिए वैभव मिर्जे विशाल ने लिखे हुए स्क्रीन प्ले है वो शक्ति प्रताप सिंह हडा आमिर नाहिद खान और सिद्धार्थ राजकुमार ने लिखा हुआ है और डायरेक्शन शक्ति प्रताप सिंह हडा का ही देखने को मिलेगा इसके अलावा इस फिल्म को सोने पिक्चर्स और संदीप मुड्डा के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है जहाँ पे सोन सोनी पिक्चर्स और रीना इजेंस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक डिसेंट अच्छे खासे बजट के साथ बनाया गया है जहां पर इस फिल्म की कास्टिंग में वरुण तेज मानुषी चिल्लर नवदीप मीर जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो हरी के वेदांतम ने की हुई है एडिटिंग है वो नवीन नुल्ली ने की हुई है जिन्होंने इससे पहले जो जर्सी फिल्म आई थी 2019 की जहां पे नानी के साथ उन्होंने वो फिल्म में काम किया हुआ था वहां पे उस फिल्म में उन्होंने एज ए एडिटर के तौर पे नेशनल अवार्ड जीता हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें मिक्की जे मेयर के द्वारा इस फिल्म के गाने कंपोज किए गए बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया गया है जहां पे म्यूजिक के राइट्स है वो सारे कमा वालों ने खरीदे हुए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे स्पेक् के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें वरुण तेज लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे रुद्रा का उनका पूरा नाम है अर्जुन रुद्रा देव इसके अलावा इस फिल्म में मानुषी चिल्लर देखने को मिलती है सोनल के रोल में वरुण तेज और मानुषी चिल्लर एक दूसरे के साथ पहली बार काम करते हुए नजर आए जहाँ पे मानुषी चिल्लर जिन्होंने इससे पहले पृथ्वीराज फिल्म में काम किया हुआ था सम्राट पृथ्वीराज फिल्म में तो उस फिल्म के बाद उन्होंने एक और हिंदी फिल्म थी, की थी द ग्रेट इंडियन फेमिली दो में और ये पहली उनकी तेलुगु फिल्म है तेलुगु डेब्यू कहा जाएगा इसके बाद वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ में भी है और तेहरान फिल्म भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी मानु चिल्लर इस फिल्म में सोनल का रोल प्ले करती हुई नज़र आई है जहाँ पे इस फिल्म में नवदीप विंग कमांडर कबीर का रोल प्ले कर रहे रूहानी शर्मा जो तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है एज अ लीड एक्टर के तौर पे उन्होंने काफ़ी सारी तेलुगु फिल्मों में काम किया हुआ है चीला सो फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था हिट द फर्स्ट केस डर्टी हरी नुतकुल्लो जिला दंगाडू और हर चैप्टर वन जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया हुआ है फिलहाल में सेंधव फिल्म में भी वो नज़र आई हुई थी वेंकटेश दगुपति के अपोजिट इसके अलावा इस फिल्म में मेर सारवार भी एक इम्पोर्टेंट रोल दे, दे प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे इनके थ्रू फिल्म की कहानी को हमारे साथ दिखाया जाएगा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत दो में ही करवा दी गई थी स्टार्टिंग में जहाँ पे इस फिल्म का जो शूटिंग था वो दो लैंग्वेज में था तेलुगु और हिंदी जब इस फिल्म का तीसरा शेड्यूल चल रहा था तब क्रिएटर के द्वारा ऑफिशियल इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था थर्ड शेड्यूल था वो चौदह अगस्त दो हज़ार तेईस को थर्ड शेड्यूल के दौरान ऑपरेशन वैलेंटाइन नाम के साथ इस फिल्म को अनाउंस किया गया था उन्नीस अक्टूबर 2023 को बताया गया था कि इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी ब्रेपअप हो चुकी है इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी पहले ही स्टार्ट करवा दी गई थी जहाँ पे इस फिल्म की जो एक शूटिंग की हुई थी उसका एक वीडियो बताया गया था शेयर किया गया था किस तरह से इस फिल्म को कैप्चर किया हुआ है पोस्टर और काफ़ी स्टैंड आउट मोमेंट भी शेयर किए हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में अट्ठारह दिसंबर दो को सोनी पिक्चर प्रोडक्शन के द्वारा टीजर अनविल किया गया था ऑपरेशन वेलेंटाइन फर्स्ट स्ट्राइक के तौर और उसके बाद में फरवरी 2024 को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया अब ये फिल्म आने वाले समय में रिलीज़ होने के लिए तैयार है जहाँ पे टीज़र ट्रेलर जो आउट हुआ है उससे पता चल रहा है कि फिल्म एक अच्छी खासी बनी होगी जो एक पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग चाहिए इसके अलावा एक्शन रिवेंज ड्रामा और जो एरियल एक्शन अभी फिलहाल में नया निकला हुआ है इंडियन इंडस्ट्री में तो फाइटर फिल्म के बाद एक बार फिर से इस फिल्म में वह वही सिमिलर थीम के साथ चीजें देखने को मिलेगी इस फिल्म में जो गाने जहाँ पे एक गाना है वो जो वंदे मातरम वाला वो वाघा बॉर्डर के ऊपर रिलीज किया गया था पहला सॉन्ग वहाँ पे अनवील किया गया था साउंड ट्रैक बैकग्राउंड उसको जैसे मैंने कहा कि मिकी जे मेयर ने कंपोज किया हुआ है सारे गा के द्वारा ऑडियो के राइट्स रिक्वायर एक्वायर किए गए थे जहाँ पे एक गाना है गगन नाला जिसके ऊपर बातचीत करें तो उस गाने को सारे गमा वालों ने रिलीज करवाया हुआ था 6 फरवरी 2024 को तो वो गाना था उसको गाया हुआ है अरमान मलिक ने राम जोगे शास्त्री ने लिखा हुआ है और मिकी जेयर के मेयर के द्वारा म्यूज़िक दिया गया है इसके अलावा एक गाना आपको और सुनने को मिला होगा अभी फिलहाल में जिसका नाम है वंदे मातरम जो पहला सिंगल था फिल्म का तो उसको वाह बॉर्डर के ऊपर जो रिलीज किया गया था उस गाने के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ तो उस गाने को करीबन करीबन सत्रह जनवरी 2024 को रिलीज़ किया गया था ऑफिशियली फर्स्ट सिंगल के तौर पे जहाँ पे इस गाने को गाया हुआ है कुणाल कुंदू ने कोरस था वो रमिया बेहरा जी मिकी मेयर और कृष्णा तेजस्वी ने दिए हुए लिरिक्स थे वो सारस्वती पुत्र और रामजोग्य शास्त्री ने लिखे हुए कीबोर्ड का काम विखी जय मेयर ने संभाला हुआ था बास गिटार था स्टीफन ने दिया हुआ था प्रशिक्षण और रिदम का काम है वंकटेश पतवारी ने दिया हुआ था स्ट्रिंग सेक्शन में सारा स्प्रिंगल ने काम किया हुआ था सॉन्ग की मिक्सिंग मिखी कीजिए मेयर ने की हुई थी जो गाना था वो सुबह के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में सॉन्ग के मास्टरिंग वो कायल हॉलैंड के द्वारा यूएसए में करवाई गई थी तो ये कुछ दो गाने फिलहाल में रिलीज़ किए हुए हो सकते हैं आने वाले समय में कुछ और गाने हो वो डेफिनेटली रिलीज़ करवाए जाएंगे तो ये सभी गाने फिलहाल में आपको सारे गामा म्यूजिक और सारे गामा के ऊपर तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे वो भी बिल्कुल फ्री में अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत कर लेते हैं थोड़ी बहुत तो फिल्म की ओरिजिनल जो शेड्यूल रिलीज डेट थी थिएट्रिकली वो थी 8 दिसंबर 2023 को बाद में फिल्म को रीड शेड्यूल किया गया था 16 फरवरी 2024 के ऊपर लेकिन फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो डिले हो रहा था क्योंकि एक एरियल एक्शन थी जिसके लिए वेफ एक्स का काम काफ़ी ज़्यादा चल रहा था उसके लिए फिल्म काफ़ी डिले हुई थी उसके चलते पोस्ट प्रोडक्शन का काम डिले होने के वजह से इस फिल्म को बाद में जहाँ कुछ ऐसे सरकमटेंसीज क्रिएट हुए जिसके चलते एक मार्च 2024 को रिलीज़ करने के लिए फिक्स किया गया अभी फिलहाल में इस फिल्म का टीजर दो गाने रिलीज़ हो चुके हैं ट्रेलर रिलीज हो चुका है सभी चीज़ें कंटेंट वाइज देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है और ये जो फिल्म है एक मार्च 2024 को थिएट्रिकली रिलीज़ होती हुई नजर आएगी तेलुगू और हिंदी दोनों वर्जन में अब देखते हैं कि यह फिल्म किस तरह से कैसे क्या कै, इनिशियली डेज के ऊपर रिस्पॉन्स हासिल करती है तेलुगु वर्जन डेफिनेटली वरुण तेज की जो फैन फॉलोइंग है उस हिसाब से डिसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ कलेक्शन करेगा हिंदी वर्जन प्योर डिपेंड करेगा फिल्म के वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर अगर वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव निकल के आता है तो तेलुगु में तीन दिनों के बाद डेज में भी अच्छा कलेक्शन रहेगा और एक लंबा रन ले सकती है फिल्म और बढ़िया कलेक्शन कर सकती है हिंदी मार्केट में भी ये फिल्म अगर अच्छी रिस्पॉन्स हासिल की तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन कर सकती है अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ किस तरह से कैसे क्या रिस्पॉन्स रहता है अगर ये फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो डेफ़िनेटली तेलुगु हिंदी दोनों वर्जन में एक बढ़िया कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल का मार्क हासिल कर सकती है इस फिल्म के जो ओ टी टी है तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन के लिए वो ख़रीदे अमेजन प्राइम वीडियो ने वहीं पर इस फिल्म के हिंदी सेटेलाइट राइट्स से है वो सोनी मैक्स के पास है सोनी एंटरटेनमेंट के पास है इसका मतलब थिएट्रिकली रिलीज़ के कुछ दिनों के बाद पचास साठ दिनों के बाद ये फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ऑपरेशन वेलेंटाइन नाम के साथ देखने को मिल जाएगी वहीं पे उसके कुछ दिनों के बाद कुछ महीनों के बाद इस फिल्म को हिंदी वर्जन में ऑपरेशन वेलेंटाइन नाम के साथ सोनीमैक्स और सोनीमैक्स एच चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ऑपरेशन वेलेंटाइन फिल्म फिलहाल में थिएट्रिकली एक मार्च दो को रिलीज़ होने के लिए तैयार है इसके अलावा ये फिल्म आने वाले कुछ समय के बाद अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको ओ वर्जन के कुछ समय के बाद सोनीमेक्स uh, और सोनीमैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से ऑपरेशन विलन टियली टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर पाओगे तो बस गाइज ऑपरेशन वेलेंटेन फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दी इस फिल्म को किस तरह से किसे क्या ऑफिशियली देख सकते हैं उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का प्रिडिक्शन क्या हुआ है इस फिल्म की अप्रीमाइज़ दिया हुआ है कहानी के ऊपर प्रिडिक्शन क्या हुआ है इसके अलावा आर्टिस्ट के बारे में बातचीत की हुई है इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी डिफरेंट डिफरेंट एसपे के उसके ऊपर भी जानकारी दे दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू